नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SSCA एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, आप चैप्टर कहिए या एग्जाम में आने वाले प्रश्नों का संग्रह कहिए। देखिए, पॉलिटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है संविधान संशोधन। ध्यान से सुनते रहिएगा, एक एक चीज आपकी कवर हो जाएंगी। संविधान संशोधन, क्लियर है? पॉलिटी के सेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। आइए पूरी तरीके से हम ध्यान में समझते हैं कि संविधान संशोधन होता क्या है, अभी तक कितने संशोधन हुए हैं और कौन कौन से संशोधन हमें याद करने हैं, उसके बारे में एक बेहतर जानकारी हम अर्जित करते हैं। तो टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन, इसको एकदम क्लियर करिएगा। कम से कम 30-35 संविधान संशोधन आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखने हैं, जो पेपर में आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। तो टॉपिक का नाम लगाइएगा, टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन। टॉपिक का नाम क्या है? संविधान संशोधन, क्लियर? टॉपिक का नाम संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इनके बारे में, समझिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, इतने दिनों से इस जुड़े हैं, आपको पता होगा कि पूरे संविधान में, आपको पता होगा कि पूरे संविधान में, पूरे संविधान में 22 भाग, एबीसीडी नहीं जोड़ेंगे, सीधे 22 भाग, 25 मत करिएगा, 395 अनुच्छेद और 8+4 अनुसूचियां, मतलब कितनी, 12 अनुसूचियां हैं। यह चीजें आपको एकदम एग्जैक्ट पता होगा कि संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8+4 मतलब 12 अनुसूचियां हैं। इसमें से एक बात जरा विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा, इस 22 भाग में से भाग नंबर 20 जो है, इसमें वर्णन है संविधान संशोधन का। भाग 20 में वर्णन है संविधान संशोधन का, क्लियर बात है? भाग 20 में संविधान संशोधन का क्या है? वर्णन है। तो जो हम पॉलिटी का सेक्शन पढ़ेंगे उसमें हम भाग 20 का वर्णन करेंगे, और भाग 20 में लिखा गया है संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन। तो लगाइएगा हेडिंग ऐसे लगाइएगा, संविधान का भाग 20, क्लियर है ना? संविधान का भाग 20 यानी कि भाग 20, और भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। भाग 20 क्या है जी? संविधान संशोधन, क्लियर है ना? भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। यह बातें आपको पता होगी, इसे मैं रफ करता हूं, आगे देखिए, ठीक है? हेडिंग लगा लिए होंगे, भाग 20 संविधान संशोधन, क्लियर? अब दो तीन बातें जरा सुनते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाग 20 का, क्या कर रहे हैं? भाग 20 का, और भाग 20 में हमें संविधान संशोधन को पढ़ना है। भाग 20 में क्या पढ़ना है? संविधान संशोधन को पढ़ना है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में आता है, किस में आता है? 368 में आता है, क्लियर है ना? देखिए, भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है, और किस अनुच्छेद के तहत पढ़ते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हम लोग पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, संविधान संशोधन कहां से लिया गया है? ध्यान से सुनिए, कहां से लिया गया? अगर प्रश्न कोई पूछे कि संविधान संशोधन करने का व्यवस्था कहां से लिया गया, तो याद रखिएगा, यह लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। चीजें एकदम क्लियर करिएगा कि संविधान संशोधन करने की व्यवस्था कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, क्लियर? संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में, 368 में, और किस भाग में आता है? भाग 20 में। कहां से लिया गया है सर? दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से, क्लियर है? ठीक। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि संविधान संशोधन कर्ता कौन है? संविधान संशोधन कर्ता कौन है? तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन कर्ता कौन है? तो क्लियर, यह बात याद रखिएगा, यह संसद करती है। कौन करती है? संसद। संविधान संशोधन करने का काम कौन है, कौन करता है? तो संसद, याद रखिएगा। जो भी संविधान में संशोधन करना है उसको करने का काम कौन करता है? संसद। कौन करता है? संसद। संसद में तीन अंग होते हैं, आपको पता होगा, तीन अंग। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और एक होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, एट लास्ट क्या होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, संशोधन करता कौन है? सीधे पूछे संसद। कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। किस अनुच्छेद में है? 368 में। भाग कौन सा है? 20। भाग कौन सा है? 20। इतनी बातें तो आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब समझिए, संशोधन होता क्या है? संशोधन होता क्या है? संशोधन का मतलब बदलाव। संशोधन का मतलब क्या होता है? बदलाव। आप देखिए, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले
कैसे आप रहते थे, कैसे रहते थे, एकदम पूरा सा पेटीकोट जैसा आप कपड़ा पहनते थे, भौर दही इतना फूला फूला कपड़ा, तो हमने उसको धीरे 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 संशोधित कर दिया। बाल इतना छोटा रखता था इंसान, लगा इस बाल में मॉडल बनवाने का, स्पाइसी कट कौनो कट, मतलब धीरे धीरे उसमें क्या किया इंसान ने, संशोधन कर दिया। क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। पहले का कपड़ा देखिए, आज का कपड़ा देखिए, पहले का कपड़ा साला इतना बड़ा बड़ा होता था, पूरा पैंट पूरा बड़ा बड़ा होता था, जितना चौड़ा पैंट उतना ही शानदार पैंट माना जाता था। लेकिन धीरे 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 हमने इसको क्या कर दिया, संशोधित कर दिया। आज के डेट में, आज के डेट में हमारा स्टाइल संशोधित हो गया है, हमारा स्टाइल संशोधित हो गया है, हम संशोधित हो गए हैं, पहले की अपेक्षा हम संशोधित हो गए हैं। तो जरा आप बताइए, आप बताइए, क्या संविधान भी तो आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जाना चाहिए? बताइए, संविधान भी तो आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जाना चाहिए? बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो संविधान क्यों भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है? क्लियर है? संविधान को भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है, और समय समय पर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, समय समय पर संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। संविधान के नियमों में परिवर्तित करके नया नियम जोड़ा जा सकता है, या जो नियम प्रकृति के लिए, जो हमारे देशवासियों के लिए खतरनाक है, खराब साबित हो सकता है, उसको समाप्त करके नया संशोधन, नया नियम, नया तरीका जोड़ा जा सकता है। तो इसीलिए संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ चीजों को समाप्त करके नई नई चीजों को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं संशोधन। अरे बताइए ना, आप देखिए, अपनी कुछ चीजों को समाप्त करके, उसको समाप्त करके नई चीज जोड़ लिए, आगे और जोड़ रहे हैं, आगे और भी मौका मिले तो और भी जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि फर्जी चीजें, खराब चीजें, जो रद्द चीजें हैं संविधान में, उसको समाप्त करिए, और समाप्त करके कुछ नया नया चीज जोड़िए, नए नए प्रावधान जोड़ने के लिए जो व्यवस्था अपनाई जाती है वह क्या कहलाती है? संविधान संशोधन। यहां पर एक बात हमेशा याद रखिएगा सर, याद रखिएगा कि संविधान में कुछ भी जोड़ना हो, ध्यान से सुनिएगा, संविधान में चाहे कुछ जोड़ना हो, क्लियर, और चाहे कुछ हटाना हो, मतलब समाप्त करना हो, कोई भी नया नियम जोड़ना है या जो पहले से नियम है उसको समाप्त करना है, तो संविधान में कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है, इसके लिए हमें संशोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। कोनो नियम जोड़ना है चाहे कोनो नियम हटाना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? संशोधन करना पड़ता है। यह पूरा मैंने संशोधन का डेटा आपके सामने लिखा है, एक बार जरा बोर्ड का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, देखिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पूरा पूरा देखिएगा, जितने भी टॉपिक संविधान संशोधन से बने हैं, एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं, आपका काम है कंप्लीट देखना, इसको कंप्लीट देखिएगा। देखिए क्या है, आपको इतना तो पता हो गया कि संविधान संशोधन कहां पर है, भाग 20 में है, अनुच्छेद 359 में कहां से दिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। देखिए, संविधान संशोधन को लेकर भीमराव अंबेडकर जी का कथन है, ध्यान से सुनिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, पूरा कथन मैं लिख नहीं रहा हूं आपको, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हमने, देखिए आपको पता है कि संविधान निर्माता हम किसे कहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी को संविधान निर्माता कहते हैं। इनफैक्ट और भी बातें हैं कि बहुत सारे लोगों ने, 389 लोगों ने बैठकर मेहनत किया था संविधान बनाने में, भीमराव अंबेडकर जी को हम संविधान निर्माता कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उप संविधान निर्माता किसे कहते हैं, उप संविधान निर्माता, तो याद रखिएगा बीएन राव को कहते हैं। किसे कहते हैं? बीएन राव को कहते हैं उप संविधान निर्माता, और भीमराव अंबेडकर जी को हम क्या कहते हैं? संविधान निर्माता। देखिए, संविधान संशोधन को लेकर भीमराव अंबेडकर जी का कथन क्या है, ध्यान से सुनिए। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हमने, सुनिएगा पूरी बातें और मन करेगा लिख लीजिएगा, हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि यह जो संविधान है विश्व का सबसे बेहतर संविधान बने। हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि यह जो संविधान है विश्व का सबसे बेहतर संविधान बने, परंतु परिवर्तन की आवश्यकता अनंत काल तक बनी रहती है, इसलिए इस संविधान को हम उतना भी कठोर नहीं बना सकते हैं, कि कोई इसमें संशोधन ही ना कर सके, और इस संविधान को उतना भी लचीला नहीं बना सकते हैं कि जोने के मन करे तौन संविधान का संशोधन करके चला जाए। क्लियर, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि यह संविधान, जो भारत का संविधान है, विश्व का सबसे बेहतर संविधान बने। और आपको पता है कि परिवर्तन, इन्होंने बताया कि परिवर्तन और
बदलाव की आवश्यकता, परिवर्तन और बदलाव की आवश्यकता अनंत काल तक चलती रहती है, अनंत काल तक चलती रहती है। इसलिए इस संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया गया है, इसलिए इस संविधान को इतना कठोर नहीं बनाया गया है कि कभी भी इसमें परिवर्तन ही ना लाया जा सके, और इस संविधान को इतना आसान भी नहीं बनाया गया है, इतना आसान भी नहीं बनाया गया है कि जौन नहीं तौन संविधान का संशोधन करके चल दे। क्लियर, ध्यान से समझिए। देखिए, इतना कठोर भी नहीं बनाया गया कि संविधान का संशोधन ना हो सके, कोई नियम हो उसको समाप्त ही ना कर सके, क्लियर है ना, उसको बदल ही ना सके। उतना भी कठोर नहीं और उतना भी आसान नहीं है कि जैसे कोनो पन्ना फाड़ कर फेंक देते हैं उस प्रकार से संविधान को संशोधित करने के लिए फाड़ कर फेंक नहीं सकते हैं। मतलब याद रखिएगा, यहां से एक प्रश्न निकल कर आता है कि भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान कैसा है, तो बोलेंगे न तो बहुत कठोर है न तो बहुत आसान है। क्लियर, याद रखिएगा, भारत का संविधान कैसा, एक प्रश्न आता है भारत का संविधान कैसा है, तो न तो बहुत कठोर, न तो बहुत कठोर, यहां देखिए न तो बहुत कठोर न तो बहुत आसान, न तो बहुत कठोर और न तो बहुत आसान, न तो बहुत आसान। इसी को सही भाषा में लिखते हैं, इसी को सही भाषा में लिखते हैं, यानी कि थोड़ा सा कठोर है और थोड़ा सा क्या है, आसान। इसे बोलते हैं आंशिक कठोर और आंशिक आसान, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला, आंशिक कठोर और आंशिक लचीला। क्लियर है ना, भारत का संविधान कैसा है, आंशिक कठोर, थोड़ा सा पगला थोड़ा सा आना, मतलब आंशिक कठोर और आंशिक लचीला है, आंशिक कठोर आंशिक लचीला है। ऐसा नहीं कि जोने का मन करे तो बदल कर चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा कठोर भी है कि अगर कोई उल्टा सीधा काम करेगा तो उसको तुरंत लतिया दिया जाएगा, थोड़ा सा आसान भी है, थोड़ा सा क्या है, आसान भी है। क्लियर है इतनी बातें, सीधे आपसे पूछेगा कि यह कथन, एक कथन दे देगा कि हमने इस संविधान को पूरा इस प्रकार बनाने का प्रयास किया कि यह संविधान भारत का सबसे बेहतर या विश्व का सबसे बेहतर संविधान हो, परंतु परिवर्तन और बदलाव की स्थिति अनंत काल तक चलती रहती, इसलिए इस संविधान को उतना कठोर नहीं बनाया गया कि इसमें कभी परिवर्तन ना किया जा सके, और उतना भी आसान नहीं बनाया गया कि जब मन करे तब इसमें परिवर्तन किया जा सके, जो मन करे वो परिवर्तन करते, अगर परिवर्तन करेंगे संसद के तीनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से होकर गुजरना पड़ेगा, इस प्रकार से अगर गुजरता तो उसे हम संविधान संशोधन मानेंगे। क्लियर है ना, यह कथन किसका है, तो किसका है सर, अंबेडकर जी का, किसका, अंबेडकर जी का। हमारे ख्याल से इतनी बातें क्लियर, ठीक है, अगर इतनी बातें क्लियर तो अब हेडिंग लगाइए संविधान संशोधन कुल तीन प्रकार से किए जा सकते हैं, ध्यान से सुनिए, हेडिंग है संविधान संशोधन कुल कितने प्रकार से, ध्यान से सुनिएगा, संविधान संशोधन कुल तीन प्रकार से किए जा सकते हैं, कितने प्रकार से, कुल तीन प्रकार से किए जा सकते हैं, तीन प्रकार से किए जा सकते हैं। क्लियर है ना, हेडिंग लगाएंगे आप, लगाइए, संविधान संशोधन कुल कितने प्रकार से किए जा सकते हैं, तीन प्रकार से। क्लियर है जी, कितने प्रकार से, तीन प्रकार से लगाएंगे हेडिंग, एक बार कंप्लीट पढ़िए बहुत जल्द जानकारी हो जाएगी, ठीक है, तो लिखेंगे हेडिंग कितने प्रकार से, संविधान संशोधन कितने प्रकार से, बोलो तीन प्रकार से, कितने प्रकार से किए जा सकते हैं सर, तीन प्रकार से किए जा सकते हैं, बोलिए तीन प्रकार से किए जा सकते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीन प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पहला देखिए, पहला साधारण बहुमत से संशोधन। क्लियर है ना, दूसरा है विशेष बहुमत से संशोधन संविधान का संशोधन। क्लियर, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से संविधान संशोधन। तो इस तीन प्रकार के संशोधन होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, इन तीनों का नाम फटाफट लिखिए, तो लिखिए जरा, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वीडियो लंबा होगा, आपको कंप्लीट देखना है, अगर पूरी जानकारी चाहिए तो कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला क्या है, साधारण बहुमत से संशोधन, पहला याद रखिएगा, पहला क्या है, साधारण बहुमत से संशोधन। क्लियर, दूसरा क्या है, विशेष बहुमत से संशोधन, और तीसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहमति से संशोधन। विशेष बहुमत
प्लस आधे राज्यों की सहमति से संशोधन। क्लियर है ना? आप एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा, समझिए जरा। तो देखिए, आपको पता है कि संसद के टोटल तीन अंग होते हैं। कितने अंग? तीन। ध्यान से सुनिए, यहां मैं बता रहा हूं। देखिए, संसद के टोटल तीन अंग होते हैं। तीन अंग होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। कितने अंग होते हैं? तीन। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्लियर है ना? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्लियर? यही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संविधान का संशोधन करते हैं। यही मिलकर क्या करते हैं? संविधान का संशोधन करते हैं। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं संसद के कितने अंग होते हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान से देखिए, कोई भी संशोधन करने के लिए, ध्यान से सुनिए, कोई भी संशोधन करने के लिए ध्यान से समझिए, संशोधन ऐसा नहीं कि लड़का का नाम है कि सीधे नाम ले लगेगा, नाम टिंकू है, पिंकू है, रिंकू है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। संविधान संशोधन करने के लिए एक पूरा बढ़िया से दस्तावेज तैयार करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, संविधान संशोधन करने के लिए पूरा बढ़िया से, ऐसे मान लिया, दस्तावेज तैयार करना पड़ेगा, पूरा मैटर लिखना पड़ेगा, पूरा ए टू जेड मैटर लिखना पड़ेगा। और संविधान संशोधन करने के लिए, ध्यान से समझिए, संविधान संशोधन करने के लिए मान लेते हैं लोकसभा वाले पेश करते हैं, जब तक लोकसभा में है वह संशोधन तब तक उसे विधेयक कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जब तक वह संशोधन लोकसभा में है तो उसे बोलेंगे विधेयक। क्या बोलेंगे? विधेयक। राज्यसभा में है तो भी उसे बोलते हैं विधेयक, तो भी उसे क्या बोलते हैं? विधेयक। इसे बोलेंगे संविधान संशोधन विधेयक। विधेयक बोले तो इंग्लिश में बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। क्लियर है ना? देखिए, लोकसभा में है तो भी उसे विधेयक बोलेंगे, राज्यसभा में है तो भी उसे विधेयक बोलेंगे। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में आ गया, अभी भी विधेयक है। और जैसे इस पर राष्ट्रपति चाचा गोविंद सर ने जैसे सिग्नेचर किया, जैसे इस पर सिग्नेचर किया इन्होंने, जैसे इस विधेयक पर सिग्नेचर किया, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, और जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई तो कह देते हैं हमारा संविधान संशोधित हो गया। क्लियर? अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करें, ध्यान से सुनिए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करें तो यह पूरा मैटर खत्म, पूरा मैटर खत्म, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। इस विधेयक का, संविधान संशोधन बिल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं तभी वह संशोधन माना जाता है। तो संशोधन लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में, किसी भी सभा सदन में आ सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। इसमें पास होगा, फिर राज्यसभा में आएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दिए तो संविधान संशोधन हो गया, नहीं किए तो फर्जी कागज है, काट का मतलब फाड़ कर फेंक दीजिए। क्लियर? आगे देखिए, अब सुनिए, संविधान संशोधन कुल तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। पहला क्या है? पहला है साधारण बहुमत से संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बातें मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। पहले साधारण बहुमत से संशोधन, याद रखिएगा, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को संविधान संशोधन में नहीं गिनते हैं। याद रखिएगा, साधारण बहुमत से अगर कोई संशोधन होता है तो उसे संविधान संशोधन में नहीं गिनते हैं, उसे संविधान संशोधन में नहीं गिनते हैं। क्लियर है ना? यानी कि साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को संविधान संशोधन में नहीं गिनते हैं। साधारण बहुमत क्या होता है सर? साधारण बहुमत का मतलब क्या है कि 50% लोग, मतलब 1/2 लोग अगर उसको पास कर दे, 50% लोग मतलब 1/2 लोग किसी विधेयक या किसी मैटर को पास कर दे तो उसे बोलते हैं क्या? संविधान संशोधन। उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। याद रखिएगा, यह मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, साधारण बहुमत मतलब मान लेते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में पेश हुआ तो 50% लोग अगर पास कर दे कि चाहे 50% लोग अगर हामी भर दे कि हाँ सर यह होना चाहिए, उसे बोलते हैं साधारण बहुमत। क्या बोलते हैं? साधारण बहुमत। अगर एक होता है विशेष बहुमत, क्या होता है? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब 2/3 लोग, 2/3 मतलब 2/3 लोग, जिसे बोलते हैं 66% लोग, जितने लोग वहां पर हैं, 2/3 का मतलब 66% लोग अगर हामी भरे, यहां पर 50% मतलब 1/2 लोग, 1/2 लोग हामी भरे कि हाँ सर होना चाहिए संविधान संशोधन, तो उसे क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। क्या कहते हैं? साधारण बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है कि 2/3 लोग, 2/3 लोग अगर हामी भरे कि हाँ सर संविधान संशोधन होना चाहिए, तब उसे मानेंगे विशेष बहुमत। क्या माने हैं? विशेष बहुमत। और लास्ट क्या है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। ये देखिए, यह और पहाड़। विशेष राज्य मतलब 2/3 बहुमत पहले लाओ, लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कराइए विधेयक को,
बहुत कठिन काम होता है, 66% बहुत कठिन काम है दोस्त। देखिए, 2/3 विशेष बहुमत, 2/3 प्लस आधे राज्यों की सहमति, मतलब आधे राज्यों से भी पूछा जाएगा, आधे राज्य मतलब 28 राज्य यानी कि 14 राज्यों से भी पूछा जाएगा, 14 राज्यों की सहमति होनी चाहिए, 14 राज्यों की सहमति होनी चाहिए तब जाकर तो संविधान संशोधन कंप्लीट होगा। तीसरे नंबर वाला, पहले नंबर वाला साधारण संशोधन, साधारण बहुमत से विधेयक, साधारण बहुमत से संशोधन, 50% लोग अगर मुंडी हिला दिए, हामी भर दिए तो संशोधन हो गया। विशेष बहुमत से संशोधन का मतलब क्या, विशेष बहुमत मतलब 2/3 2/3 लोगों को हामी भरना पड़ेगा। और यहां देखिए, विशेष प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाला संशोधन, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है, एक बात बताइए, यहां तक तो ठीक है, तो फर्जी है, 50% लोग जवन पर जो प्रधानमंत्री होगा जब चाहेगा तब 50% लोग को जुटा देगा, कोई दिक्कत नहीं। विशेष बहुमत 2/3 लोग, यहां देखिए, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों मतलब 14 राज्य के सहमति चाहिए संशोधन के लिए, तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संशोधन है जो सबसे कठिन या सबसे डिफिकल्ट या सबसे खतरनाक माना जाता है, तो बोलेंगे सर तीसरा। क्या बोलेंगे? तीसरा। तीसरा क्या है? विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाला संशोधन सबसे कठिन संशोधन है, सबसे कठिन संशोधन है, सबसे कठिन संशोधन है, क्लियर, सबसे कठिन संशोधन है। विशेष राज्य मतलब 2/3 प्लस 14 राज्य की सहमति, यह जो संशोधन है सबसे कठिन संशोधन है। पहला प्रश्न आप ऐसे याद करें, सबसे कठिन संशोधन कौन है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से होने वाला संशोधन सबसे कठिन माना जाता है। सबसे आसान कौन है? सबसे आसान तो साधारण बहुमत से संशोधन, साधारण बहुमत से संशोधन। और मध्यवर्ती कौन है? मध्यवर्ती सर यह है विशेष बहुमत से संशोधन, विशेष बहुमत से संशोधन। अब आपके पेपर में 2-3 प्रश्न आते हैं कि सबसे ज्यादा संशोधन किसके द्वारा हुए हैं, सबसे ज्यादा संशोधन किसके द्वारा हुए हैं, तो देखिए जितना भी संशोधन हुआ है, मोटी मोटा 105 संशोधन आप ले लीजिए, जितना 105 बार हमारे संविधान को बदला गया है दोस्त, आप देखिए, देखिए अमेरिका का संविधान आज तक केवल लगभग 70 बार बदला है, और हमने 1950 से, आज कौन सा 1950 को लागू हुआ, 2021 आते आते हमने अपने संविधान को लगभग 105 बार बदल डाला, 105 चीज उसमें जोड़ दी, या 105 चीज कुछ ना कुछ उसमें से निकाल दी, कुछ ना कुछ नई चीज जोड़ी 105 बार। चलिए यहां पर समझिए, अगर आज ये आज तक मानिए 105 प्लस संशोधन, 105 मानिए संशोधन हुए हैं, तो सबसे ज्यादा किसके द्वारा? देखिए पहली बात तो साधारण बहुमत से, इसको समझिएगा पूरी लाइन को, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन को हम संशोधन में गिनते ही नहीं है, संशोधन में गिनते ही नहीं है, इसे संशोधन माना ही नहीं जाता, यह मामूली सुधार करता है, हल्का फुल्का सुधार कर देता है, ज्यादा कुछ नहीं करता है। संविधान में थोड़ा बहुत सुधार करना हो, जैसे मान लेते हैं कहीं का नाम परिवर्तित करना, कोनो नाली का नाम रखना है, कोनो जिला का नाम रखना है, कोनो मूर्ति का नाम रखना है, कोनो मूर्ति का नाम हटाना, कोनो मूर्ति का नया कलर का प्रिंट करवाना है, तो छोटा मोटा चीज काम यह कर देता है, कौन सा? साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से संशोधन, इसे संविधान संशोधन में नहीं गिनते हैं, क्लियर। अभी तक 105 बार संविधान संशोधन हुआ, इसको हम गिनते नहीं है संविधान संशोधन में, इसको गिनते नहीं, लेकिन पढ़ते हैं गिनते नहीं है। तो एक बात बताइए, इसमें से, इसमें और इसमें 105 में सबसे अधिक किसका रोल होगा, इसका विशेष बहुमत से या इसका? इसको तो पास कराने में हालत खराब हो जाएगी बाबू, 66% अगर लाभ दिए तो 14 राज्य से कटोरा ले जाकर पूछेंगे, कटोरा ले जाकर कितना, जरा बताओ इस संविधान हमारा सही है, मतलब यह संशोधन हमारा सही है कि नहीं, 14 राज्य में से एक को राज्य कह दिया नहीं तो संविधान का संशोधन नहीं होगा, तो कौन माना जाएगा? विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन। याद रखिएगा, जितना भी संविधान का संशोधन आज तक हुआ है, जितना भी संविधान संशोधन आज तक हुआ है, जितना भी संविधान, देखिए जितना भी संविधान संशोधन आज तक हुआ है उसका लगभग 70% से ज्यादा भाग, जितना भी संविधान संशोधन हुआ है उसका 70% से ज्यादा भाग जो है वो विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया गया, किसके द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा। तो प्रश्न आपसे सीधा पूछता है, संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे ज्यादा संविधान का संशोधन हुआ है? विशेष बहुमत के द्वारा। विशेष बहुमत के द्वारा सबसे कम, सबसे कठिन कौन सा है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाला। सबसे ज्यादा संशोधन किसके द्वारा हुआ है सर? तो विशेष बहुमत से होने वाला संशोधन लगभग पूरे
संशोधन का लगभग 100 मानिए 105 संशोधन, 105 का लगभग 70% भाग, 70% भाग केवल का केवल विशेष बहुमत से हुआ है। क्लियर है ना। अब एक एक चीजें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आप लगाइएगा हेडिंग साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन, साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन। थोड़ी थोड़ी बातें हैं, बस पढ़ते जाएंगे। उसके बाद पूरा संविधान, एक से 105 तक की चीजें कुछ छोड़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे। जो पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर क्लियर, नोट करिए। तो चलिए दोस्त, इन तीनों को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, एक एक बातें इनका हम ध्यान से समझते हैं। देखिए इन तीनों को, जो भी आपका साधारण बहुमत से संशोधन है, विशेष बहुमत से संशोधन है, और विशेष प्लस आधे राज्यों के सहमति से जो संशोधन है, उसको बढ़िया से पढ़ते हैं। तो पहला आप हेडिंग लगाइएगा साधारण बहुमत से होने वाले संशोधन, साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन। क्लियर। साधारण बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन। साधारण बहुमत का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि 50% लोग अगर हामी भर दे, 50% लोग अगर लिखित दस्तावेज दे दे, लिखित पास कर दे, तो माना जाता है कि पास हो गया। ध्यान से देखिए क्या है, देखिए एक एक बात याद रखिएगा। साधारण बहुमत से जितने भी संशोधन होते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उसे हम संशोधन में नहीं गिनते, याद रखिएगा, उसे केवल मामूली सा सुधार मानते हैं, याद रखिएगा, उसे केवल क्या मानते हैं, मामूली सुधार। आई थिंक दिखा नहीं होगा तो बस सुन लीजिएगा कि साधारण बहुमत से जितने भी संशोधन होते हैं उसे केवल मामूली सुधार मानते हैं। क्लियर। अरे हाँ कि ना, चलो बाबू बहुत बढ़िया, उसे केवल क्या मानते हैं, मामूली सुधार मानते हैं। दूसरी महत्व एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, आप सुने हैं किसी नए राज्य का गठन, किसी चीज का नाम बदल देना, किसी राज्य को काट कर दो राज्य बना देना, या किसी जिला को काट कर दो जिला, तीन जिला बना देना, तो यह सब जो छोटे मामूली से जो सुधार होते हैं वह कैसे होते हैं, साधारण बहुमत से होते हैं। ठीक है, उसे संशोधन में नहीं गिनते हैं, केवल मामूली सुधार मानते हैं। जैसे जैसे क्या है, राज्यों में परिवर्तन, नए राज्यों का बंटवारा या नए राज्य का गठन, यह सब जो सुधार होते हैं वो कैसे होते हैं, साधारण बहुमत से। और साधारण बहुमत से होने वाले सुधार या होने वाले संशोधन को हम संशोधन में नहीं गिनते हैं, उसे मामूली सुधार मानते हैं। क्या मानते हैं सर, मामूली सुधार मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, साधारण बहुमत लगाने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम साधारण बहुमत से किसी भी प्रकार का संशोधन करने वाले हैं, तो पहले ही राष्ट्रपति को बता देते हैं, कि राष्ट्रपति को लिखित दस्तावेज दे देते हैं कि राष्ट्रपति जी देखिए हम इस राज्य का परिवर्तन करने वाले हैं, इस राज्य का नाम परिवर्तन करने वाले, तो पहले ही हम दे देते हैं। ध्यान से सुनिएगा बाबू, साधारण बहुमत से जो भी संशोधन होते हैं वह राष्ट्रपति को पहले ही पूर्व सूचना दे देते हैं। और अगर इस पूर्व सूचना, जैसे मान लीजिए सिंपल समझिए, पूर्व सूचना दे दी है और इस पर राष्ट्रपति ने कहा कि हाँ ठीक है करिए आप लोग, उसके बाद आप उस सूचना को बदल नहीं सकते हैं, मतलब राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए जैसे देखिए, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और यहाँ का एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या जी, गोरखपुर।
अब गोरखपुर को काट कर मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से गोरखपुर को काट कर गोरखपुर को ही नया राज्य बनाया जाए, क्या बनाया जाए, नया राज्य बनाया जाए, तो सबसे पहले इसकी सूचना हम राष्ट्रपति को दे देंगे। किसको दे देंगे? राष्ट्रपति को दे देंगे। अगर राष्ट्रपति पहले ही डांट के खदेड़ दिए, पहले ही लतिया कर भगा दिए, भग सर राज्य योजना ही बनेगा जैसे वैसे चले दे, पहले ही राष्ट्रपति खत्म कर दिए तो बतिए खत्म वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति पूर्व जैसे हम सूचना दिए कि राष्ट्रपति महोदय हम उत्तर प्रदेश से काट कर गोरखपुर बनाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति ने कहा हाँ ठीक है बना लो, तो जैसे राष्ट्रपति ने कहा ठीक है बना लो, उसके बाद यह सीधे गठन हो गया। उसके बाद सीधे यह जीकेपी का क्या हो गया? गठन हो गया बाबू। जीकेपी का क्या हो गया? गठन हो गया। मतलब क्या है कि अब राष्ट्रपति चाह कर भी अगर राष्ट्रपति चाहे कि फिर हम गोरखपुर हुआ है इसको समाप्त कर दें तो समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि साधारण बहुमत को राष्ट्रपति, बाबू ध्यान से सुनिए, साधारण बहुमत को राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकते हैं। क्यों नहीं लौटा सकते हैं? क्योंकि साधारण बहुमत लाने से पहले राष्ट्रपति को पहले ही पूछ लेते हैं, कि राष्ट्रपति सर बताइए कि हम यह काम करेंगे। अगर राष्ट्रपति पहले ही कहे करो तो बाद में राष्ट्रपति अगर कहेंगे नहीं करो तो धप्पी हो जाएगा कि नहीं, पलट गए कि नहीं अपनी बातों से। साधारण बहुमत लाने से पहले देखो, साधारण बहुमत लाने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देते हैं, राष्ट्रपति की अनुमति ले लेते हैं, उसके बाद पूरा प्रक्रिया करते हैं। अगर राष्ट्रपति रोकना भी चाहे तो राष्ट्रपति को कहेंगे कि कह रहे महाराज काहे रोक रहे हैं, पहले आपे कहते जाओ कर लो फिर रोक रहे हो, तो सीधा प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या पूछता है कि किस बहुमत में राष्ट्रपति दोबारा चीजों को रोक नहीं सकते हैं, तो कौन सा है? साधारण बहुमत से हुए गठन को राष्ट्रपति रोक नहीं सकते हैं। क्लियर? आपको बस सिंपल सा याद रखना है कि राष्ट्रपति साधारण बहुमत से अगर कोई संशोधन होता है, कुछ भी हो साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पहले ही राष्ट्रपति से पूछ लिया गया होता है। यह संशोधन में नहीं गिना जाता, इसे मामूली सुधार मानते हैं। राज्यों में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों का जिला में परिवर्तन, राज्यों की राजधानी में परिवर्तन, नए राज्य का गठन राज्य के नाम में परिवर्तन, जिला दो तीन जिला को नया नया बनाना, दो तीन जिला को काट कर दो तीन मंडल बनाना, तो सब इस प्रकार के जो मामूली सुधार होते हैं किसमें आते हैं? साधारण बहुमत से। कैसे होते हैं? साधारण बहुमत से। आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि राज्यों के नाम में परिवर्तन या राज्यों का बंटवारा या नए राज्यों का गठन अगर किया जाता है तो किस प्रकार के संविधान संशोधन से किया जाएगा? तो वो साधारण बहुमत से, और इनकी गिनती संविधान संशोधन में नहीं होती है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ते हैं, लगाइएगा हेडिंग, दूसरे नंबर वाला है विशेष बहुमत से होने वाले संविधान संशोधन। चलिए सर दूसरा देखिएगा, दूसरा लिखिए विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। क्लियर है ना? विशेष बहुमत से संविधान संशोधन। याद रखिएगा कि संविधान का लगभग 70% संशोधन, जो संशोधन हुआ है वह किसके द्वारा हुआ है? विशेष बहुमत द्वारा हुआ है। विशेष बहुमत का मतलब होता है 2/3, या इसी को बोलते हैं 66%। क्या बोलते हैं? 66%। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के इसके भी 66% मेंबर सहमत होने चाहिए और इसके भी 66% मेंबर सहमत होने चाहिए। उसके बाद यह मैटर जाता है राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जैसे इस पर अपना भावताओं में सिग्नेचर करते हैं तुरंत संशोधन कंप्लीट हो जाता है। याद रखिएगा विशेष बहुमत से जो संशोधन होता है कितनी आवश्यकता होती है? 2/3 या 66% की। 2/3 या 66% की क्या होती है सर? आवश्यकता होती है। अरे बोलो हाँ कि ना। ठीक है, आगे देखिए। संविधान में लगभग 105 बार संशोधन किया जा चुका है, ध्यान से सुनिए, और 105 बार जो संशोधन हुआ है इसका लगभग 70% भाग, इसका 70% से ज्यादा भाग किसके द्वारा किया गया है? विशेष बहुमत द्वारा किया गया है। तो प्रश्न पूछे संविधान में सर्वाधिक संशोधन किस बहुमत द्वारा हुआ है? तो विशेष बहुमत द्वारा। क्या है जी? विशेष बहुमत द्वारा। क्लियर है ना? विशेष बहुमत द्वारा मुख्य रूप से याद रखिएगा, भाग 3 में संशोधन किया गया और संविधान के भाग 4 में संशोधन किया गया। मुख्य रूप से भाग 4 में संशोधन किया गया। किसके द्वारा? तो विशेष बहुमत द्वारा। सबसे ज्यादा यहीं पर किया गया। किसके द्वारा? विशेष बहुमत द्वारा। क्लियर? इसके बाद आता है आपका क्या? तीसरे नंबर पर आता है विशेष बहुमत प्लस
आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। तो देखिए बाबू क्या है, विशेष बहुमत आपको पता है 2/3 या इसे बोलते हैं 66% लोगों की सहमति होनी चाहिए, और साथ ही साथ आधे राज्य मतलब 28 राज्य हैं तो 14 राज्य सहमत होने चाहिए। कितने राज्य सहमत होने चाहिए बाबू? 14 राज्य आपके सहमत होने चाहिए, 14 राज्य सहमत होने चाहिए। इसमें देखिए क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा इसमें क्या क्या आता है, देखिए ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या आता है। जैसे बात करें राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति के अगर निर्वाचन में संशोधन करना हो कि राष्ट्रपति को जो चुनाव की प्रक्रिया उसे बदलना, किसके द्वारा बदलेंगे, देखो एकदम लाइनिया याद होना चाहिए, नहीं तो पेपर वाला उठा उठा कर फेंकेगा आपको। भाई फर्जी फर्जी बातें मत पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए अच्छे तरीके से। देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई बदलाव करना हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई परिवर्तन या संशोधन करना हो तो किस प्रकार से करेंगे? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के सहमति से। दूसरा कार्यपालिका में अगर कोई संशोधन करना हो, कार्यपालिका में अगर कोई संशोधन करना हो तो किसके द्वारा करेंगे? इसके द्वारा। अगर कोई विधायिका में संशोधन करना हो, विधायिका में कोई संशोधन करना है तो इसके द्वारा करेंगे। तो इन सब चीजों को आप विशेष रूप से याद रखिएगा। मान लीजिए न्याय से संबंधित सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई संशोधन करना हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में संशोधन करना हो किसके द्वारा करेंगे? सर इसके द्वारा, इसके द्वारा। एक महत्वपूर्ण बातें जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बातें इसी में लिखा गया है, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, इसी में लिखा गया है कि 368 को समाप्त नहीं किया जा सकता। क्लियर? अनुच्छेद 368 को समाप्त नहीं किया जा सकता यह स्पष्ट लिखा है। किसी भी कंडीशन में अनुच्छेद 368 समाप्त नहीं हो सकता। अनुच्छेद 368 क्या है बाबू? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान संशोधन। अगर यह समाप्त हो जाता तो समझिए सब खत्म हो जाता, खेला पूरा खत्म हो जाता। मोदी जी का आपको पता है कि लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में भी आधे से ऊपर मोदी जी के आदमी हैं। लोकसभा में मोदी जी का बहुमत है, राज्यसभा में आधे से ऊपर आदमी मोदी जी के हैं। मोदी जी कहते कि एक काम करते हैं, एक लाओ ऐसा संशोधन लाओ कि उसमें हम क्या कर दें, 368 को समाप्त कर दें, 368 को समाप्त कर दें और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया समाप्त कर दें और अपने आप को आजीवन भाजपा पार्टी को आजीवन हम क्या घोषित कर दें, प्रधानमंत्री। तो फर्जी बातें हो जाता ना, संविधान निर्माता जानता था कि ऐसे ऐसे नेता हमारे देश में आएंगे, खतरनाक खतरनाक नेता आएंगे, जो चुल्लू भर का दिमाग होता है भाई, जो छुटका दिमाग होता है अपना दिमाग लगाएंगे नेता। तो नेता हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि पहले ही एक बात बढ़िया से मोटका हेडिंग में लिख दो। देखो मोटका हेडिंग में लिख दिया गया कि 368 को समाप्त नहीं किया जा सकता, नहीं तो पूरा क्या कर देते सब, आप समझिए, आप दिमाग लगाइए, पूरा क्या कर देते, कहते भैया निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन कर देते हैं कि इस बार जो पार्टी है वो हमेशा अनंत काल के लिए रहेगी और 368 को संविधान से निकाल देते, यानी कि भाग 20 को संविधान से निकाल देते तो हमेशा के लिए मोदी जी रहते कि नहीं, प्रधानमंत्री। बोले हाँ कि ना, मरने के बाद मोदी जी का लड़का अमित शाह होते, ऐसे तो होते ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखिए, हमारे ख्याल से तो चीजें समझ आई होगी। अब इतना अगर बातें आपको क्लियर है, हा ना, इतना बातें क्लियर है तो अब आप लिखिए प्रथम संविधान संशोधन। अब यहां से शुरू करते हैं अपनी कहानी, प्रथम संविधान संशोधन लगाएंगे हेडिंग बाबू, प्रथम संविधान संशोधन। चलिए सर ध्यान से देखते रहिएगा, शुरुआत करते हैं प्रथम संविधान संशोधन का। ध्यान से देखिए कौन सा टॉपिक, प्रथम संविधान संशोधन, पहला जो संविधान संशोधन हुआ। टोटल आपको बाबू पढ़ना है 105 बार, 105 पढ़ना है, 105 पढ़ना है। और हम बात कर रहे हैं पहले का, सबसे पहला जो संविधान संशोधन है कब हुआ, तो ध्यान से सुनिएगा और क्या हुआ इसमें, इस चीज को याद रखिएगा। पहला संविधान संशोधन या बोलते हैं इसे प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ? 1951 में। आपको पता है कि हमारा संविधान लागू है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। बोलो हाँ कि ना, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। उसके बाद पहला संविधान संशोधन 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। इस प्रथम संविधान संशोधन से क्या किया गया कि जो भी जमींदारी प्रथा थी उसे
उसे समाप्त किया गया। याद रखिएगा, जो भी जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त किया गया, साथ ही साथ भूमि सुधार किया गया, साथ ही साथ भूमि क्या किया गया, सुधार किया गया। याद रखिएगा सर, याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन से क्या किया गया, 1951 में पहली बार जमींदारी प्रथा समाप्त की गई और भूमि का सुधार किया गया। क्या किया गया, भूमि सुधार किया गया। और भूमि सुधार करने के लिए, ध्यान से सुनिए, भूमि सुधार करने के लिए संविधान में एक अनुसूची जोड़ा गया। याद रखिएगा, भूमि सुधार करने के लिए संविधान में एक अनुसूची जोड़ा गया। संविधान में क्या जोड़ा गया, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई बापू, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। कब, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा, पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। याद रखिए, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, सन 1951 में। इसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, उसे समाप्त किया गया और भूमि सुधार किया गया। क्या किया गया जी, भूमि सुधार किया गया। इसी में भूमि सुधार से संबंधित, बाबू ध्यान से सुनिए, भूमि सुधार से संबंधित संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। कब, 1951 में। कब जोड़ी गई, 1951 में। यह नौवीं अनुसूची में लिखा क्या है, तो नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में वर्णन है। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में वर्णन है। भूमि सुधार के बारे में क्या है जी, वर्णन है। याद रखिएगा, नौवीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार के बारे में वर्णन है। और भूमि सुधार करने के लिए कुल 284 नियम का उल्लेख है। कितने नियम का, 284 नियम का क्या है जी, उल्लेख है। क्लियर, भूमि सुधार करने के लिए कुल कितने नियम का उल्लेख है, 284 नियम का उल्लेख है। तो प्रश्न आपसे पूछे कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ, सन 1951 में। जमींदारी प्रथा थी उसे समाप्त किया गया, भूमि सुधार किया गया, भूमि सुधार इसमें किया गया। और इस प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। क्या जोड़ी गई, नौवीं अनुसूची। जैसा आपको पता है कि मूल संविधान में, ध्यान से सुनिए, मूल संविधान में आठ ही अनुसूची थी, एक और जोड़ी गई। कब, 1951 में। फिर इसमें क्या हुआ, दसवीं जोड़ी गई, ग्यारहवीं जोड़ी गई, बारहवीं। तो वर्तमान में तो टोटल 12 है, हम नौवीं की बात कर रहे हैं। कब जोड़ी गई, 1951 में। और इसमें भूमि सुधार से संबंधित कुल कितने नियम है, 284 नियम। कुल कितने नियम है, 284। तो हमारे ख्याल से पहला संविधान संशोधन क्लियर हो गया होगा, पूरी बातें आपको पता चल गई। पहले संविधान संशोधन में क्या किया गया, पहले संविधान संशोधन 1951 में क्या किया गया, इस चीज को याद रखिएगा। नौवीं अनुसूची जोड़ी गई और नौवीं अनुसूची भूमि सुधार के बारे में वर्णन है, भूमि सुधार से संबंधित है। और इसमें कुल 284 नियम का उल्लेख है। कितने नियम का उल्लेख है, 284 नियम का उल्लेख है। क्लियर। अब यहां से एक प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिए, यहां से एक प्रश्न पूछता है। देखिए, 1951 में जब पहली बार संविधान संशोधन हुआ, पहली बार संविधान संशोधन हुआ, याद रखिएगा, पहली बार संविधान संशोधन हुआ तो, हुआ तो ठीक है, पहली बार संविधान संशोधन हुआ तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस चल रहा था। इसलिए यह प्रश्न आ चुका है पेपर में कि जब पहली बार संविधान में संशोधन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में आपस में केस था जिसका नाम था चंपक दोराय जान केस। चंपक लिख देते हैं, कौन सा केस था लिख देते हैं, यहां पर दिखेगा, चंपक दोराइजन केस चल रहा था। क्लियर है, जब पहली बार संविधान में संशोधन हुआ 1951 में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा था, एक केस पर वर्णन हो रहा था। उस केस का नाम क्या था, चंपक दोराइजन केस। क्लियर है ना, कब चल रहा था, 1951 में। तो हमारे ख्याल से यह बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी, यह बातें आपको क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। आइए, हमारे ख्याल से क्लियर है ना जी, क्लियर। चलिए, भूमि सुधार किया गया, जो भी बड़े बड़े जमींदार थे जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ की खेती थी, उनके खेती को समाप्त किया गया। और धीरे धीरे क्या किया गया भाई, कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, भूमि सुधार किया गया और नौवीं अनुसूची जोड़ी गई। भूमि सुधार के बारे में इसमें क्या है, वर्णन है। कुल 284 नियम भूमि सुधार से रिलेटेड है। आई थिंक पहला संविधान संशोधन क्लियर ना, दूसरा देखिए, कहां देख रहे हैं, इधर दूसरा देखिए। चलिए सर, आगे देखिएगा, पहला क्लियर है ना, पहला तो क्लियर। अब आगे देखिए,
देखिए 105 में टोटल 105 आपको नहीं पढ़ना है, जो चीजें बता रहा बस उसको क्लियर करेगा आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पहला आपको क्लियर हो गया। अब देखिए सीधे सातवां, कौन देखिए, सातवां संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन हुआ था सर 1956 में, इसका डेट एकदम एग्जैक्ट याद रखेगा। सातवां संविधान संशोधन हुआ था सन 1956 में, कब हुआ 1956 में, कब हुआ जी 1956 में। इसमें क्या बताया गया ध्यान से देखिए, सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और इसमें क्या बताया गया ध्यान से सुनिएगा क्या बताया गया। देखिए इसमें बताया गया सबसे पहले जो राज्य थे, जो राज्य थे वह कैसे थे, पहले समूह में थे, राज्यों को पहले समूह में ए समूह, बी समूह, सी समूह, डी, मतलब राज्यों को पहले ग्रुप में बांटा गया था, किसमें ए बी सी डी इस प्रकार के ग्रुप में बांटा गया था। इस ग्रुप को समाप्त किया गया, राज्यों को जो ग्रुप था इस ग्रुप को समाप्त किया गया। तो सातवें संविधान संशोधन से याद रखेगा जो राज्यों को समूह में ए बी सी डी में, मतलब अलग अलग राज्य, ए में बढ़िया बढ़िया राज्य आए, बी में, ए में मतलब जो ब्रिटेन वाले जिसके अधीन थे, जिसको अपने अधीन लिए थे वह राज्य, बी में जहां पर गवर्नर शासन करता था, इस प्रकार से सी और डी इस प्रकार से राज्य आते थे, तो इनके ग्रुप को समाप्त किया गया। देश आजाद है तो फिर ब्रिटेन की बातों को लेकर क्यों चले, है ना। 1956 में तो हमें आजादी कई साल पहले मिल गई थी, आजादी मिली थी 1947 में, हम बात कर रहे हैं 1956 की, तो ये फालतू ब्रिटेन वालों को क्यों लेकर चले। तो जो ग्रुप बनाए थे सब राज्यों का, ए बी सी और डी ग्रुप बनाए थे, चार ग्रुपों में बांटे थे, इस ग्रुप को समाप्त किया गया। इस ग्रुप को क्या किया गया, समाप्त किया गया, पहली बात क्लियर। ठीक है, दूसरी बात यहां पर रखिए, यहां पर याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया। राज्यों का क्या किया गया, बंटवारा किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया। और इसके आधार पर, इसके आधार पर याद रखिएगा 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर क्या किया गया, राज्यों का बंटवारा किया गया, और इसके आधार पर सबसे पहले 14 राज्य बने भारत में और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। क्या बने, 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो सीधा सा इतना ही बात याद रखिएगा, इतना बात, पहला बात क्या है कि इसमें जो राज्य समूह में, पहले भारत में जो राज्य थे ग्रुप ए के राज्य बोले जाते थे, ए में लगभग 9-10 राज्य रहते थे, बी में 4-5 राज्य रहते थे, सी में रहते थे, डी में अंडमान निकोबार जैसे लोग राज्य रहते थे, तो इसको क्या किया गया, यह जो राज्य सिस्टम है सब ग्रुप वाला सिस्टम, इसको समाप्त किया गया, पहला काम हुआ। दूसरा काम के भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारा करने की मान्यता दी गई, और इसके तहत 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। तो हमारे ख्याल से तो सातवां एकदम क्लियर आता है पेपर में, ऐसे ना समझिए, आएगा पेपर में तो बैनर बनाकर चल देगा, आप देख रहे हैं मुंह, तो याद करिए। छठवां सातवां संविधान संशोधन क्या है, कब आता है, 1956 में, और राज्यों से रिलेटेड है, ज्यादा मत दिमाग लगे, आप सब में कर लेंगे, 1956 राज्यों से रिलेटेड है, 1956 राज्यों से रिलेटेड है, क्लियर है ना। चलिए आठवां संविधान संशोधन ध्यान से सुनिए, पहले समझिए, आठवां संविधान संशोधन हुआ था 1960 में, कब हुआ था 1960 में, यहां पर देखिए लिखा भी है, आठवां संविधान संशोधन कब हुआ 1960 में, कब हुआ जी 1960 में। यह सबसे पहले किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा एससी और एसटी के आरक्षण, एससी और एसटी के लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षण से, लोकसभा लिखिए, एससी और एसटी के लोकसभा में, लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है, किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है, क्लियर। लोकसभा में आरक्षण से क्या है, संबंधित है, ध्यान से सुनिएगा, एससी और एसटी के लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है कौन, तो बताएंगे आठवां संविधान संशोधन, क्या बताएंगे, आठवां संविधान संशोधन, क्लियर है ना, क्लियर। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, एससी मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के, जनजाति के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रकार का आरक्षण है, समझिएगा, कुछ विशेष प्रकार का आरक्षण है, कुछ विशेष प्रकार का आरक्षण है लोकसभा, लोकसभा की सीटों में, लोकसभा की सीटों में, ध्यान से सुनिए बात को, लोकसभा की सीटों में। देखिए जब संविधान बन, जब संविधान बनकर लागू हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ, तो इसमें व्यवस्था की गई थी, व्यवस्था की गई थी कि जो भी एससी और एसटी जो होंगे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इसके लिए कुछ सीटें आरक्षित करके रखी गई थी, कुछ सीटें आरक्षित, आरक्षित मतलब समझ रहे हैं, केवल उनके लिए रखी गई थी, केवल उनके लिए बचा कर रखी गई थी, एससी और एसटी के लिए, उनके लिए बचा कर रखी गई थी। फिर जब संविधान, जब यह बताया गया था कि यह जो आरक्षण है, यह जो आरक्षण है 10 साल
साल तक चलेगा, कितने साल तक, 10 साल तक चलेगा। फिर बात आता है 1960 में, यह जब लागू हुआ तो इनका आरक्षण 1960 में समाप्त हो रहा था, 1960 में समाप्त हो रहा था जी, एससी एसटी का आरक्षण जो था लोकसभा में वह समाप्त हो रहा था। फिर आठवां संविधान संशोधन किया गया, आठवां संविधान संशोधन किया गया 1960 में, और इसके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, इसके आरक्षण को 10 वर्षों के लिए, यानी कि कब तक, 1970 तक बढ़ा दिया गया। यानी कि एससी, याद रखिएगा, एससी और एसटी का जो आरक्षण है, एससी और एसटी का जो आरक्षण है यह 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, कितने वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए, यानी कि 1970 तक इसको बढ़ाया गया, 1970 तक इसको बढ़ाया गया। फिर बात बाबू समझिए कि मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि भाभी एक और संशोधन कर दिया, मोदी जी ने बता दिया कि देखिए 2030 तक एससी और एसटी का आरक्षण इसी प्रकार से जारी रहेगा, 2030 तक एससी और एसटी का आरक्षण लोकसभा में चाहे कहीं भी इसी प्रकार से जारी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 2030 तक अब बढ़ा दिया गया है, लेकिन आठवें संविधान संशोधन से क्या किया गया था, 1970 तक। अब प्रश्न पूछे एससी एसटी का आरक्षण कब तक बढ़ाया गया है, 2030 तक, 2030 के पहले कितना भी कोई चिल्लाए वाला यह कम नहीं होगा, 2030 तक यह बढ़ गया है, क्लियर है ना, क्लियर है बोलिए, ठीक है। अब लिखिए 18वां हो गया तो 10वां लिख लीजिए, 10वां मिटा दो, इसको मिटाने वाला कहां गया, ठीक है। चलिए देखिएगा जरा फटाफट इसको कवर करते हैं, देखिए यहां लिख दिए हैं एक ही बार में और कवर करते हैं। देखिए क्या है, 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, याद रखिएगा 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ, इसके तहत क्या किया गया था, याद रखिएगा जो भी दादर और नागर हवेली थी, दादर नागर हवेली को, याद रखिएगा दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई, ध्यान से सुनिए, दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई 10वां संविधान संशोधन 1961 से दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई, केंद्र शासित प्रदेश स्वीकार किया गया। आगे देखिए 12वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, इसमें दमन और दीव को, याद रखिएगा इसमें दमन और दीव को क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसमें क्या किया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आज के डेट में बाबू 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसको याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर हम बात करते हैं 10वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई। 12वां संविधान संशोधन होता है 1962 में, 12वें संविधान संशोधन से दमन द्वीप को मान्यता दी गई, दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश की मान्यता दी गई, इसको याद करिएगा, बाकी कुछ नहीं याद करिएगा, इसको याद करिएगा। 13वें संविधान संशोधन 1962 में हुआ, यह भी 1962 में, इसमें नागालैंड को, याद रखिएगा नागालैंड को एक राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को किसका दर्जा दिया गया सर, राज्य का दर्जा दिया गया, नागालैंड को किसका दर्जा दिया गया, राज्य का। और नागालैंड की जो भाषा होती है बाबू, नागालैंड की जो भाषा है वह भाषा है अंग्रेजी, याद रखिएगा नागालैंड की जो राज्य की भाषा है, राज्य की भाषा, वह कौन सी है, अंग्रेजी, क्लियर है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में हुआ, नागालैंड को मान्यता दी गई। नेक्स्ट है 14वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ, 14वां संविधान संशोधन 1963 में, देखिए 14 ऐसे लिखेंगे ना, देखिए 14वां संविधान संशोधन 14 ऐसे लिखेंगे, 14 और 14 मतलब ऐसे, देखिए 14 इसमें भी दिख रहा है कि नहीं, 14 41 जैसे, यानी कि पांडेचेरी को, किसको, पांडेचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई, 14 पांडे देखिए ऐसे 14 14 14 14, यानी कि पांडेचेरी को क्या दिया गया भाई, क्या दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश का मान्यता दिया गया। और 22वां संविधान संशोधन होता है 1969 में, 22वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 22वां संविधान संशोधन से क्या किया गया, मेघालय को एक राज्य का दर्जा दिया गया, मेघालय को एक राज्य का दर्जा दिया गया। अब इसमें से मैं बता दूं दोस्त, इसमें से आपको कोई नहीं याद रखना है, कुछ भी नहीं याद रखना है, ना कभी पूछेगा ना कभी पूछा गया है, यह कुछ नहीं याद रखना है, क्लियर, कुछ नहीं याद रखना है। अगर ज्यादा मन हो याद करने का तो 13वां पढ़ लीजिएगा, नागालैंड में, यह भी मत पढ़ेगा, इतना याद रखिएगा नागालैंड की भाषा कैसी है, अंग्रेजी, कैसी है, अंग्रेजी, बोलिए यहाँ की ना, नागालैंड की भाषा कैसी है, अंग्रेजी। नेक्स्ट देखिएगा 18वां संविधान संशोधन, नेक्स्ट लिखिए 18वां संविधान संशोधन, सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 18वां संविधान संशोधन होता है 1966 में,
एकदम क्लियर करिएगा। 18वां जो संविधान संशोधन है कब होता है, 1966 में। इसको मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए, तो याद करना है आपको। 18वां संविधान संशोधन 1966 में, मतलब 1966 में होता है। और याद रखिएगा 1966 में 18वां संविधान संशोधन होता है और इसमें शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। क्या किया गया? शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। याद रखिएगा इसमें क्या हुआ, शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। शाह आयोग की सिफारिश को लागू किया गया। शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। 18वां संविधान संशोधन में याद रखिएगा, शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। क्या किया गया? लागू किया गया। या ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शाह आयोग कब आया, तो सर 1966 में बात है, तो 1966 में भी शाह आयोग आया। 18वें संविधान संशोधन से शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। और यह शाह आयोग किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा पंजाब से, पंजाब राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। पुनर्गठन से संबंधित है मतलब पंजाब राज्य को तोड़ ताड़ के, घोर घार के, बढ़िया से एक बार फिर पुनर्गठन कर दीजिए, उससे संबंधित है। कौन जी? शाह आयोग। देखिए कई प्रश्न संशोधन न याद, लेकिन इसका डेटा याद होना चाहिए। क्या है? 18वां संविधान संशोधन 1966 कौन सा आया? शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। इसमें शाह आयोग क्या है सर? शाह आयोग आया 1966 में। कब आया? 1966 या 1966 कहिए। पंजाब राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। शाह आयोग क्या बताता है सर? पंजाब राज्य का पुनर्गठन बताता है। पंजाब राज्य का पुनर्गठन कैसे किया गया इसके बारे में बताता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, थोड़ा समय मिटा दो, समझ गए ना। शाह आयोग की सिफारिशों को इसमें क्या किया गया? लागू किया गया। यहां मैं लिख भी देता हूं, परेशान मत रहिए, ठीक है, लिख देता हूं। क्या है? शाह आयोग की सिफारिशों। शाह आयोग कब आया? शाह आयोग सर 1966 में। शाह आयोग की सिफारिशों को क्या किया गया? शाह आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। ध्यान से देखिए, ठीक है। शाह आयोग किससे संबंधित है? तो पंजाब राज्य के पुनर्गठन से। पंजाब राज्य के पुनर्गठन से संबंधित है। देखिए पहले जो पंजाब था दोस्त, याद रखिएगा, पहले जो पंजाब था उसका नाम था पेप्सू। क्या नाम था? पेप्सू, PEPSU। पहले जो पंजाब था उसका नाम था पेप्सू। पंजाब को क्या कहा जाता है? पेप्सू। क्लियर? पेप्सू। अबे पेप्सी ना रे, पेप्सू। तो पंजाब को क्या कहा जाता है? पेप्सू। ध्यान से सुनिए। पी से होता है पंजाब ईस्ट, सॉरी पटियाला ईस्ट ऑफ पंजाब स्टेट यूनियन। पटियाला ईस्ट ऑफ पंजाब स्टेट यूनियन। अब इसमें देखिए क्या होगा कि यह मान लीजिए पंजाब का क्षेत्र है। यह क्या है? पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब का क्या है? क्षेत्र है। देखिए क्या किया गया, पंजाब जब नक्शे में देखेंगे तो नक्शे में थोड़ा सा ऊपर साइड पड़ता है, तो पंजाब का जो यह ऊपर का भाग था, ध्यान से देखिए, पंजाब का जो मतलब पंजाब नहीं कहीं, इसे हम पेप्सू कहते हैं, क्योंकि पेप्सू को तोड़कर बनाया गया है क्या? हमारा पंजाब बनाया गया। ध्यान से सुनिए, देखिए जो पंजाब का यह ऊपर का क्षेत्र था, यह ऊपर का जो क्षेत्र था नक्शे में आप देख लीजिएगा, पंजाब के जो ऊपर का क्षेत्र था इसमें हिमालय आता था, हिमालय पर्वत थोड़ा थोड़ा आता था, हिमालय पर्वत। जो पेप्सू था, पेप्सू जो था इसमें, जो ऊपर का क्षेत्र था इसमें हिमालय आता था। तो पेप्सू का वह एरिया जिस पर हिमालय आता था उसे बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। क्या बना दिया गया बाबू? हिमाचल प्रदेश। पेप्सू का वह एरिया जहां पर हिमालय आता था, जहां पर हिमालय पर्वत का कुछ भाग था, उसे बना दिया गया हिमाचल प्रदेश। क्या बना दिया गया? हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर सुनिए, पेप्सू का वह एरिया जहां पर हिंदी बोला जाता था, हिंदी बोला जाता था, हौ से हिंदी और हौ से इसे बना दिया गया हरियाणा। क्या बना दिया गया हरियाणा। पेप्सू का वह एरिया जहां पर पंजाबी बोला जाता था, जहां पर पंजाबी भाषा बोली जाती थी, उसे बना दिया गया पंजाब। क्या बना दिया गया बाबू? पंजाब बना दिया गया। बीच में एक ऐसा एरिया था जो कह रहा था हम स्वतंत्र रहेंगे। ना हम हरियाणा में मिलेंगे, ना हम पंजाब में मिलेंगे, ना हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, हमें एक अलग राज्य दे दीजिए, एक मुख्यमंत्री बैठा दिए, हम आराम से मस्त रहेंगे।
शाह आयोग ने कहा साले ना तो कि हम घर के छोड़ेंगे ना घाट के छोड़ेंगे, तुमको हम बना दे रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या बना दे रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेश। और यहीं पर एक केंद्र शासित प्रदेश बना जिसका नाम है क्या? चंडीगढ़। क्या नाम है जी? चंडीगढ़। क्या नाम है? चंडीगढ़। तो अब देखिए पेप्सू का विभाजन हुआ, सबसे पहले हिमालय बन गया हिमाचल प्रदेश, पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र पंजाब बन गया, हरियाणा बन गया और चंडीगढ़ बन गया। क्या बन गया? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या बन गया? चंडीगढ़ बन गया। क्लियर है ना? तो शाह आयोग से इतना काम किया गया, यानी कि पेप्सू का विभाजन करके एक दो तीन चार चार चीजें बना दी गई, चार चीजें बना दी गई। आप एक बात याद रखेगा कि हरियाणा की बात करें, याद रखेगा हरियाणा और यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और पंजाब दोनों का जो सुप्रीम कोर्ट है, दोनों का जो सुप्रीम कोर्ट है वो चंडीगढ़ में है। दोनों का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? चंडीगढ़ में है। अगर इतनी बातें समझ आई हो, हमारे ख्याल से 18वां संविधान संशोधन 1966 में जो शाह आयोग आया था वो किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा पंजाब के गठन से, पंजाब के गठन या पंजाब के पुनर्गठन या पंजाब का दोबारा गठन से संबंधित था शाह आयोग। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सीधे आपको लिखना है 35वां संविधान संशोधन, बीच में कुछ नहीं पढ़ना है, 21वां पढ़ना तभी लास्ट में पढ़ाएंगे। सीधे लिखिए 35वां संविधान संशोधन, लिखिए जरा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। दोनों संविधान संशोधन 34, 35 और 36 दोनों संविधान संशोधन को एक साथ आपको याद रखना है। तो यहां पर बात करते हैं 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। और यहां पर बात करते हैं 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन यह हुआ था 1975 में। 1975 में दोनों डेट याद रखिएगा। 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ। देखिए 35वां संविधान संशोधन के तहत, ध्यान से सुनिएगा, 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को, किसको? सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्या? कौन सा राज्य? सह राज्य का, सह राज्य का दर्जा दिया गया, सह राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर है ना? सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसी के साथ, ध्यान से सुनिए, इसी के साथ 36वां संविधान संशोधन जस्ट एक साल बाद 1975 में हुआ और इसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का, पूरा राज्य का, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब दिया गया? याद रखिएगा 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन, 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा, 1975 के द्वारा। साथ ही साथ यहां पर याद रखिएगा, इस प्रकार सिक्किम है सिक्किम ऐसे लिखेंगे क्या? देखिएगा बोर्ड पर, सिक्किम ऐसे बनाएंगे ना। इस प्रकार सिक्किम भारत का कौन सा राज? 22वां राज। कौन सा राज? 22वां। इस प्रकार सिक्किम भारत का कौन सा राज बना? 22वां। सिक्किम देखिए ऐसे लिखेंगे जब सिक्किम, तो इसी को दो बार लिख दीजिए, सिक्किम भारत के कौन सा राज बना? सर 22वां राज बना। कौन सा? 22वां। ध्यान से सुनिए, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ, इसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज? सह राज्य का, मतलब टोटल कंप्लीट राज्य नहीं बनेगा, सह राज्य का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ 36वां संविधान संशोधन एक साल बाद 1975 में हुआ, सिक्किम को कंप्लीट राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 16 मई 1975 को। किसके द्वारा? 36वां संविधान संशोधन द्वारा। और जो सिक्किम है भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां। कब बना? 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को यह भारत का 22वां राज्य बना। क्लियर है ना? तो देखिए 35 और 36, 35 में सिक्किम को सह राज्य, 36 में सिक्किम को पूर्ण राज्य। 35 हुआ था 1974 में, 36 हुआ 1975 में। क्लियर? अगर इतनी बातें क्लियर है, 35 और 36 क्लियर है, तो नेक्स्ट लिखिए 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्या है? 42वां संविधान संशोधन। चलिए आइए बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन की, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो 42वां संविधान संशोधन। आज हम डिस्कस करते हैं 42वां संविधान संशोधन की। क्लियर है ना? 42वें संविधान संशोधन का हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से एक एक पहलू को सुनते रहिएगा। देखिए टॉपिक का नाम है 42वां संविधान संशोधन। टॉपिक का नाम क्या है? 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है ना? कौन सा? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
चार और दो छह, यानी कि सन 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। एक एक बातें सुनते रहिएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 1976 में। कब हुआ? 1976 में। देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कुल 59 प्रावधान जोड़े गए थे। कितने प्रावधान? 59 प्रावधान जोड़े गए। कितने प्रावधान जोड़े गए जी? 59 प्रावधान जोड़े गए। क्लियर है? एक एक बात याद रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुल 59 प्रावधान जोड़े गए। इस वजह से 42वें संविधान संशोधन द्वारा 59 प्रावधान जोड़े गए। इस वजह से, अच्छा देखिए ना यार, पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है, आपको पता है। लगभग 59 आइटम 42वें संविधान संशोधन से जोड़ दिए गए। 59 आइटम, 59 प्रावधान, 59 चीजें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ दिया गया। इस वजह से इसे बोलते हैं लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। तो सीधे कोई प्रश्न पूछे कि लघु संविधान किसे कहते हैं, तो बताएंगे सर 42वें संविधान संशोधन को। किसको बताएंगे? 42वें संविधान संशोधन को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसमें टोटल 59 आइटम, 59 प्रावधान जोड़े गए थे। क्लियर है? 42वां संविधान संशोधन हुआ 1986 में। कब हुआ? 1986 में। इस 1986 में याद रखेगा, इसमें प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी जी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेगा, प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेगा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही 42वां संविधान संशोधन कराया। 42वां संविधान संशोधन कराया। यहां पर प्रश्न एक पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति के सिफारिश पर हुआ? किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो आप आंसर लगाएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है ना? किस समिति की सिफारिश पर हुआ? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ 42वां संविधान संशोधन। एक एक बात याद रखिएगा, किस समिति के सिफारिश पर हुआ? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? सन 1976 में। और इस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। 42वां संविधान संशोधन में सर 59 चीजें जोड़ी गई, 59 प्रावधान को ऐड किया गया। इस वजह से इसे हम बोलते हैं लघु संविधान। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? लघु संविधान। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, सच्चाई सुनिए, अच्छे से सुनिए। देखिए 42वां संविधान संशोधन में जितनी बातें जोड़ी गई थी ना, ध्यान से सुनिए, 42वां संविधान संशोधन में जितनी बातें जोड़ी गई थी सब फालतू की बातें थी, किसी की बेबुनियादे बातें थी, कोई मतलब नहीं था उसको जोड़ना। क्लियर? 42वां संविधान संशोधन में जितनी बातें जोड़ी गई थी सब फालतू की बातें थी, बेबुनियादी बातें थी, समझ रहे हैं ना? उसको कोई मतलब नहीं था जोड़ना। यानी कि याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन में सब फालतू काम हुआ, सब फालतू काम हुआ, कोई काम का काम नहीं हुआ, सब फर्जी काम हुआ, फालतू काम हुआ, बेबुनियादी काम हुआ। तो यहां पर हम बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं, सब फालतू काम हुआ है इसमें, सबके सब फालतू काम हुआ। फालतू इतना फालतू हुआ, कितनी बार सर? लगभग 59 बार फालतू चीजें हुई। 59 बार। कुछ कुछ चीजें अच्छी है, लेकिन मैक्सिमम चीजें इसकी खराब है, मैक्सिमम चीजें इसकी खराब है। अब यहां पर सुनिए, सबका सब फालतू काम हुआ, तो यहां से प्रश्न पूछ देता है कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है, इसे हम कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। क्या कहते हैं? लोकतंत्र की हत्या। कौन करता है? तो लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। क्लियर है ना? इतना गलत चीजें इसमें जोड़ा गया, इतनी फर्जी चीजें इसमें जोड़ी गई कि लोकतंत्र की हत्या कर डाला। तो प्रश्न सीधा आपके पेपर में पूछता है कि किस संविधान संशोधन को लोकतंत्र की हत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता है, तो बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। सब का सब इसमें फालतू की बातें जोड़ी गई थी। जोड़वाने वाली महारानी कौन थी? महारानी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। बहुत सारी चीजें इसमें, मैक्सिमम चीजें फालतू जोड़ी गई थी, लेकिन कुछ चीजें बेहतर थी, कुछ चीजें बहुत बेहतर थी, लेकिन मैक्सिमम चीजें इसमें फालतू जोड़ी गई। लोकतंत्र की हत्या, इस संविधान संशोधन को, 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या। तो प्रश्न आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन को हम लोकतंत्र की हत्या के नाम से जानते हैं, तो बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। क्या बताएंगे? 42वां संविधान संशोधन। क्लियर है ना?
अच्छा ठीक है, दो तीन प्रश्न। उस समय पीएम कौन था? श्रीमती इंदिरा गांधी। कब हुआ था? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पूर्व? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 59 प्रावधान जोड़े गए थे, इस वजह से 42वें संविधान संशोधन को बोलते हैं लघु संविधान। यह लोकतंत्र की हत्या करता है, लोकतंत्र की हत्या करता है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला माना जाता है। मैक्सिमम इसमें बातें फालतू जोड़ी गई थी जिसका कोई काम नहीं था, बेबुनियादी बातें थी। क्लियर है ना? चलिए क्या क्या जोड़ा गया था आइए उसको समझ लेते हैं, क्या क्या जोड़ा गया था। देखिए देखिए इस 42वां संविधान संशोधन में ध्यान से सुनिए, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में था, इसने शक्तियों को, इसने सत्ता की जो भी शक्ति थी, इसने शक्तियों को, सब शक्तियों को प्रधानमंत्री को दे दिया। सब शक्ति किसमें कर दिया? प्रधानमंत्री में। ऐसा इसको तोड़े मरोड़े लोग कि जितनी भी सत्ता शक्ति थी, जितनी भी देश को चलाने की शक्ति थी, सब किसके पास चली गई? प्रधानमंत्री के पास। आपको पता है, आपको पता है कि हमारे देश का मुखिया, हमारे देश का मुखिया राष्ट्रपति होता है, सबसे मेन व्यक्ति राष्ट्रपति होता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह पीएम को पावरफुल बना। पीएम कौन? इंदिरा गांधी थी। पीएम को शक्ति देता है, पीएम को क्या करता है? अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। पीएम को क्या करता है? अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। क्लियर है ना? इसमें देखिए क्या क्या बातें बताई गई, ध्यान से सुनिए, जितनी बातें सब ध्यान से करके लिखेंगे। देखिए इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को वापस नहीं कर सकता। देखिए फर्जी बात है ना, लोकसभा राज्यसभा के लोग अपना मैटर तैयार करके देते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं, राष्ट्रपति को समझ आता है तब उसको पास आउट करते, नहीं तो कैंसिल कर देते हैं। क्लियर? लेकिन इसमें क्या बताया गया कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, जो विधेयक है उसको पास करना है, उसको वापस नहीं कर सकता है। बताया गया राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को, विधेयक को वापस नहीं कर सकता, वापस नहीं कर सकता। पहला पॉइंट देखिए कितने फर्जी पॉइंट, राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस नहीं कर सकता। क्लियर है ना? क्लियर। यहां पर देखिए इसमें बताया गया कि आपातकाल की शक्ति, आपातकालीन शक्ति, आपातकालीन शक्ति, याद रखिएगा, इसमें बताया गया कि आपातकालीन शक्ति प्रधानमंत्री के पास होगी, प्रधानमंत्री के पास होगी। क्लियर है? प्रधानमंत्री के पास होगी। क्लियर? प्रधानमंत्री के पास होगी और पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर ही, पीएम की सलाह पर ही आपातकाल लगेगा, आपातकाल लगेगा। आप मुझे एक प्रश्न बताइए कि किसके सलाह पर आपातकाल लगता है? किसके सलाह पर? पूरा मंत्री परिषद कहता है तब जाकर आपातकाल लगता है। यहां पर क्या है कि आपातकालीन शक्तियां पीएम के पास होंगी, प्रधानमंत्री के पास, और प्रधानमंत्री के सलाह पर ही आपातकाल लगेगा। और आपातकाल लगाएगा भी कौन? पीएम ही लगाएगा। कौन लगाएगा? पीएम ही लगाएगा। अब यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, ध्यान से सुनिए, रियल में आज भी आपको पता है कि आपातकाल लगाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। आपने पढ़ा होगा जर्मनी के वाइमर संविधान से दिया गया आपातकाल, तो आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होती है? तो सर प्रधान, राष्ट्रपति के पास। यहां पर बताया गया कि आपातकालीन शक्तियां किसके पास होंगी? पीएम के पास, पीएम के पास। देखिए सब 42वां संविधान संशोधन हो रहा है, पूरा पूरा संविधान को बदला जा रहा है। आप देखिए इसमें बदलाव हो गया, इसमें बदलाव हो गया, आगे और भी देखिए, और भी अभी खेला होगा, अभी खत्म नहीं हुआ, और भी देखते रहिए। इसमें बताया गया, ध्यान से सुनिए, इसमें बताया गया कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का जो कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल याद रखिएगा 5 वर्ष से बढ़ाकर सीधे 6 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर सीधे कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। ध्यान से सुनिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर सीधे कितना कर दिया गया? सर 6 वर्ष कर दिया गया। देखिए ये सब बातें, अपनी सरकार को 1 साल और आगे लेकर जाओ, अपनी सरकार को 1 साल और आगे लेकर जाओ, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 6 वर्ष। ठीक है, आगे सुनिए क्या होगा, आगे सुनिए। 42वां संविधान यह बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखवाने जा रहा है, ध्यान से सुनिए, पेपर में आता है 42वां संविधान, इंपॉर्टेंट लिख दे रहा है यहाँ पर। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में, याद रखिएगा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? प्रस्तावना, याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए? याद रखिएगा, कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए? तो जोड़ा गया समाजवाद, क्या जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, याद रखिएगा, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष मत ठोक दीजिएगा, क्या है? पंथ निरपेक्ष। और एकता व अखंडता,
एकता व अखंडता, आमतौर पर केवल अखंडता लिखा होता है, आप पूरा याद रखिए एकता और अखंडता दोनों एक ही में है। समाजवाद जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और एकता और अखंडता जोड़ा गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में कि किस संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो बताएंगे 42वां संविधान संशोधन द्वारा और इसमें तीन शब्द जोड़े गए। कितने शब्द? तीन शब्द। इसके बाद प्रस्तावना को आज तक टच नहीं किया गया है, अभी भी प्रस्तावना जैसे पहले थी वैसे अब भी है। तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, कितनी बार? केवल एक बार संशोधन हुआ है, क्लियर। देखिए 42वां संविधान संशोधन की लीला, प्रस्तावना में यह परिवर्तन हो गया, आपको पता हो गया राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को वापस नहीं कर सकता, राष्ट्रपति के पद कहे रखे थे भाई हटा देना चाहिए था। आगे आपातकालीन शक्ति प्रधानमंत्री के पास होगी, जो मन करे प्रधानमंत्री करेंगे, जैसे मन करे वैसे प्रधानमंत्री करेंगे। यहां पर बताया गया लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जरा, मैं इसको रफ करूं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिए, आई थिंक स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, क्लियर। 42वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ रहे हैं, कब हुआ था सर? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। चलिए और बातें सुनिए, दो तीन बातें तो आपने समझा, और बातें सुनिए क्या क्या था इसमें, समझिएगा बात को, ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया कि अगर लोकसभा को भंग करना है, लोकसभा को भंग करना है, भंग मतलब समाप्त करना है, लोकसभा को भंग करना है तो करने का काम कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री ही करेगा, क्योंकि पूरी की पूरी शक्ति, याद रखिएगा यह पूरी शक्ति लगभग किसको दिया जा रहा था? पीएम को। पूरी शक्ति किसको दिया जा रहा था? पीएम को। और उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। इसमें बताया गया कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? पीएम को। पीएम चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है। आज के डेट में क्या है? पीएम नहीं है भाई। आगे यहां पर बढ़ते हैं, आगे यहां पर ध्यान से सुनिए, आई थिंक यह बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। आगे देखिए, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, याद रखिएगा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 क में, संविधान के भाग 4 क में 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, किसको जोड़ा गया? 1976 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मैं मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ा दिया हूं, क्लियर है ना, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं, यह बात है क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जिसको आपको समझना है, इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि इसमें बताया गया 42वें संविधान संशोधन में बताया गया कि आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति के आधार पर, ध्यान से सुनिए, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है, ध्यान से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, और मुझे आप बताइए, इसी में मैंने बताया आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास थी? पीएम के पास, किसके पास थी? पीएम के पास। इसमें बताया गया कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, और आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास थी? पीएम का। तो जब मन करे तब पीएम आपातकाल लगा सकता था। अब यहां पर सुनिए, आंतरिक अशांति का मतलब समझ रहे हैं, आंतरिक अशांति का मतलब क्या है कि देश में, आंतरिक मतलब देश के अंदर अशांति हो, हमें पता ही नहीं चलता था कि हमारे देश में कहां अशांति है, और उठाकर 1975 में आपातकाल लगा दिया गया। 1975 में हमें आपातकाल झेलना पड़ा, हमें पता भी नहीं था कहां पर अशांति थी कहां पर नहीं अशांति थी, हमें कुछ नहीं पता था दोस्त। आंतरिक अशांति के आधार पर 42वां संविधान संशोधन में बताया गया कि अगर देश में कहीं अशांति है, देश में कहीं झगड़ा मार है, 4-5 लोग देश में कहीं झगड़ा कर लिए, तो उसके आधार पर क्या लगा दीजिए? आपातकाल लगाया जा सकता है। और यह कौन लगाएगा? पीएम लगाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति तो छीन ली गई थी। क्या बताएगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है, और इसको लगा दिया गया, 1975 में लगाया भी गया था दोस्त। अब एक बात बताइए कि इतना सारा काम हुआ, इतना सारा एकदम बेबुनियादी काम हुआ, अच्छा काम नहीं हुआ, तो बताइए सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल, आपातकाल मतलब लॉकडाउन की स्थिति देखे थे उस प्रकार का, आंतरिक अशांति, हमें पता ही नहीं कि देश में अशांति है, और तुरंत पीएम आए घोषणा कर दिए कि देखो कल से आपातकाल लगेगा, काम खत्म। क्या यह सही है? नहीं ना। तो इस वजह से जब यह जरा देखिए, यह जरा देखिए कि जब इतना अति हो गया 42वां संविधान संशोधन में, सब काम पीएम, सब काम पीएम, सब काम पीएम, सारी की सारी शक्तियां पीएम के पास आ रही थी, सारी की सारी शक्तियां पीएम, पीएम बोले तो प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होता उस समय सारी शक्तियां आ रही थी, तो जनता तो जागरूक हो गई यार। 1976 उत्तर की बात है, आजादी 47 मिल गई थी, आज का डेट है 76,
जनता तो जागरूक हो गई, जनता ने कहा कि इनको उखाड़ कर फेंको, समझ रहे हैं, जनता ने कहा कि इनको उखाड़ कर फेंको। आपको पता जो जनता से टकराएगा जनता उसको उखाड़ कर फेंक देगी, सबको देख लीजिए उदाहरण है पीछे आपको, इनको उखाड़ कर फेंक दिए लोग, इनको उखाड़ कर फेंक दिए और 1900 ध्यान से सुनिएगा, इनको उखाड़ कर फेंके लोग और यहां से चुनाव हारी कौन, इंदिरा गांधी, असमटी श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी, क्लियर है ना, ठीक है। और मोरारजी देसाई इसके प्रथम पीएम बने, मोरारजी देसाई इसके क्या बने, पीएम बने, आगे हम बात करेंगे। तो यह 42वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा जो भी संविधान की शक्तियां थी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 42वां संविधान संशोधन जो भी संविधान की शक्तियां थी, इस शक्तियों को केंद्रीकरण करता था, एक जगह पर केंद्रित करता था। तो कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन संविधान के शक्तियों को एक जगह पर रखता था कि अलग अलग लोगों को देता था, तो कहेंगे एक जगह पर रखता था और उस जगह ही कौन था, पीएम के कपारे, मतलब पीएम को देता था, प्रधानमंत्री को देता था, क्लियर है ना। तो 42वां संविधान संशोधन संविधान की शक्तियों को एकांकित करता था, एकत्रित करता था और यह शक्ति किसको प्रदान करता था, पीएम को, किसको बनाता था, शक्तिशाली पीएम को। कई बार प्रश्न पूछा, मैं प्रश्न बोल देता हूं, लिख कर रखा हूं, देखिए प्रश्न क्या है, वह कौन सा संविधान संशोधन है जो संविधान की शक्ति को एकात्मक बना दिया, संविधान की शक्ति को एकात्मक बना दिया, तो बताएंगे 42वां संविधान संशोधन। एकात्मक शक्ति किसको प्रदान कर रहा था, तो प्रधानमंत्री को प्रदान कर रहा था, किसको प्रदान कर रहा था, प्रधानमंत्री को। और इसी संविधान को बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या करने वाला संविधान संशोधन। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, क्लियर। चले अब देखते हैं 42। देखिए जब भी किसी चीज का अति होता है ना, तो उसको समाप्त होना है, तो 42वां तो आएगा। 42 के बाद आता है 44वां संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिएगा, 42 के बाद आता है 44वां संविधान संशोधन। अब 44वां संविधान संशोधन क्या करेगा, जितनी भी खराब चीजें 42 में थी, जो भी फालतू की बातें 42 में जोड़ी गई थी, सबको पेंट पॉलिश लगाकर काट पीट कर फेंकेगा, क्लियर है ना, क्लियर। जो भी खराब सी चीजें 44वें 42वें संविधान संशोधन में थी, उसको समाप्त करके बढ़िया चीज कौन जोड़ेगा, 44वां संविधान संशोधन। तो प्रश्न पूछा जाता है 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था, 44वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। यह 44वां संविधान संशोधन बहुत सारी चीजों को जोड़ेगा, बढ़िया चीजों को जोड़ेगा, लेकिन एक चीज ऐसा जोड़ देता है जिसके कारण 44वां संविधान संशोधन में जो मोरारजी देसाई आपके क्या थे, पीएम थे, उनको भी छोड़ना पड़ा, क्लियर है ना। आगे हम बात करेंगे, बस एक बात याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन की कमियों को समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया, तो 44वां संविधान संशोधन, क्लियर है, क्लियर। अब लिखेंगे हेडिंग 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 4/4/8/1978 में हुआ, 1978 में। हेडिंग लगाइए 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है, लगाइएगा हेडिंग 44वां संविधान संशोधन। एक एक बातों को ध्यान से सुनिए, हेडिंग है 44वां संविधान संशोधन, 42 तो आपको क्लियर हो गया ना, अब पढ़ना है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 4 और 4 कितना सर, 8 होता है, यानी कि 1978 में, कब, 1978 में, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन कब आया, 1978 में, ठीक है। इस समय याद रखिएगा प्रधानमंत्री के पद पर कौन था, इस समय पीएम के पद पर कौन थे, तो मोरारजी देसाई याद रखिएगा, कौन थे, मोरारजी देसाई, क्लियर है। आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन में कितने फालतू के बात हुए, सब आपको पता है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में था और यहां पर प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई और पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई, क्लियर है ना। तो अब यहीं से हमें पढ़ना है 44वां संविधान संशोधन 1978, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि 44वां संविधान संशोधन क्यों आया, तो याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन की कमियों को समाप्त करने के लिए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के उपचार हेतु आया, के
उपचार हेतु आया, या यूं कह सकते हैं कि 42वां संविधान संशोधन में जो भी फालतू का काम हुआ था 42वां संविधान संशोधन की कमियों को समाप्त करने के लिए, 42वां संविधान संशोधन की कमियों को समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया, 44वां संविधान संशोधन। क्लियर है ना? आपको पता है कि 42वां संविधान संशोधन में कितने फर्जी बातें, कितने फालतू बातें, कितने बेबुनियादे बातें जुड़ी गई थी। उन्हीं सब को समाप्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन, कुछ ऐसी ऐसी चीज जुड़ गई थी उनको समाप्त करने के लिए 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में आया। कब आया? सन 1978 में। क्लियर है ना? इतनी बातें तो क्लियर होगी। देखिए इसमें क्या क्या बताया गया, ध्यान से सुनिए। इसमें बताया गया, देखिए आपातकाल मंत्री परिषद की सिफारिश पर लगाया जा सकता है। आपातकाल मंत्री परिषद के सिफारिश पर लगाया जाएगा। क्लियर? और 42वां में क्या था कि आपातकाल सीधे प्रधानमंत्री ठोक देगा, और यहां पर क्या है कि आपातकाल मंत्री परिषद के सिफारिश पर लगाया जाएगा। आपातकाल मंत्री परिषद के सिफारिश पर लगाया जाएगा। दूसरा काम इसमें किया गया कि लोकसभा का कार्यकाल, याद रखिएगा लोकसभा का कार्यकाल पुनः छह वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। कितना वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया, याद रखिएगा। अच्छा 42वां में क्या था कि लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में इसको समाप्त कर दिया गया, या जो फर्जी बातें थी, बेबुनियादे बातें थी, समाप्त करके लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से पुनः घटाकर कितना कर दिया गया? सर 5 वर्ष। कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। ये तो बातें छोटी छोटी आप याद रखिएगा, पेपर में हूबहू आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिए, इतनी बातें तो आई थिंक क्लियर होगी, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब इसमें आगे देखें, अगर इसमें आगे समझिए, इसमें 42वां संविधान संशोधन में ऐसा था कि कोई भी अगर कोई विधेयक है तो उसको राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता था। याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन में बताया गया कि अगर कोई विधेयक है तो उस विधेयक को वापस करने के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता, पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता। लेकिन 44वां संविधान संशोधन में क्लियर कर दिया गया कि कोई भी विधेयक हो उस विधेयक को पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति एक बार भेज सकता है। यानी कि विधेयक को पुनः विचार करने के लिए राष्ट्रपति कितनी बार एक बार सभा में वापस भेज सकता है। यह बताया गया 44वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में तो हद कर दी गई थी। अब देखे सब पढ़े हैं ना इसके पीछे, यहाँ देखिए 44वें संविधान संशोधन में क्या बताया गया। 42वां संविधान संशोधन के उपचार हेतु इसको प्रयोग किया गया। 42वां संविधान संशोधन से हमारा लोकतंत्र एकदम अपंग हो गया था, खराब हो गया था, लोकतंत्र की हत्या हो गई थी, उसको समाप्त करने के लिए हमने लेकर आया 44वां संविधान संशोधन। और इसमें कौन कौन सी बातें बताई गई सब आपको पता है। आपातकाल मंत्री परिषद के सिफारिश पर लगाया जाएगा, लोकसभा का कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर कितना कर देगा? 5 वर्ष। और आज के डेट में भी कितना है? 5 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार या पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। कितनी बार? एक बार सभा को भेज सकता है, चाहे लोकसभा को भेजे चाहे राज्यसभा को भेज सकता है, एक बार भेज सकता है। क्लियर? और 42वां क्या बताया गया था कि एको बार नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। आगे यहां पर एक बात और बताई गई, ध्यान से सुनिए। एक बात ने पूरा मोरारजी देसाई की सरकार को ले डूबा, केवल एक बात केवल हुई, फिर ये मोरारजी देसाई चले गए और फिर तुरंत आ गई श्रीमती इंदिरा गांधी जी पुनः आ गई। 44वें संविधान संशोधन, ध्यान से सुनिए, यहां मैं लिखता हूं 44वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, ध्यान से सुनिए। आपने मूल अधिकार पढ़ा है, मूल अधिकार में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 31 पढ़े होंगे। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है, क्या है? संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में समाप्त किया गया। जब 1978 में समाप्त किया गया
तो तुरंत यहां पर ध्यान से सुनिए, जो विरोधी पार्टी थी वह पूरा समाज में पूरा देश में अफवाह फैला दी कि संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, तुम जिस घर में हो वह तुम्हारा संपत्ति नहीं है, वो भी छिन जाएगा। और मोरारजी देसाई ने ऐसा संशोधन करवा दिया है कि संपत्ति का अधिकार समाप्त करवा दिया है, जो तुम जिस घर में हो वह संपत्ति भी तुम्हारे नहीं, संपत्ति का अधिकार समाप्त हो गया है। पूरे देश में खलबली मच गई, और जैसे खलबली मची मोरारजी देसाई की सरकार तुरंत गिर गई, मोरारजी देसाई की सरकार तुरंत गिर गई। फिर गद्दी पर कौन बैठी? श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखेंगे, प्रश्न आपको याद रखना है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, ध्यान से सुनिए, 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त किया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त किया गया, मूल अधिकार से क्या किया गया? समाप्त किया गया। याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार से क्या किया गया? समाप्त किया गया। और इसे उठाकर कानूनी अधिकार में, मैंने पढ़ाया है क्लास में आपको, इसे उठाकर कानूनी अधिकार में रख दिया गया। किस में रख दिया गया? कानूनी अधिकार में, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। यहां पर सुनिए, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया, मूल अधिकार से समाप्त किया गया, इसे उठाकर कानूनी अधिकार में 300A में रख दिया गया, 300A में। ध्यान से सुनिए, जब मोरारजी देसाई की सरकार ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से समाप्त कराया, तो जो विरोधी पार्टी थी, क्योंकि विरोधी पार्टी का काम है उसका क्या करना, विरोधी पार्टी का काम है कि जनता को भड़काना, कोई भी पार्टी हो विरोधी पार्टी है हमेशा जनता को भड़काती है, क्लियर। अब इसमें क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, मोरारजी देसाई ने क्या कहा कि संपत्ति के अधिकार को हम समाप्त करते हैं। संपत्ति के अधिकार को मोरारजी देसाई ने जैसे समाप्त किया, विरोधी पार्टियों ने जनता के मन में यह द्वंद फूंक दिया कि देखो यार तुम्हारा संपत्ति का अधिकार समाप्त है, संपत्ति के अधिकार को उठाकर कानूनी अधिकार में रख दिए हैं, जहिया मन करेगा तहिया तुमसे तुम्हारी पूरी संपत्तियां ले लेंगे, जब मन में आएगा पूरी संपत्तियां ले लेंगे, संपत्ति का अधिकार तुम्हारा खत्म है। और इसी पर इनका विद्रोह होने लगा, इसी पर इनको लोग गाली वाली देने लगे, पूरा गलियाने लगे, और इनकी सरकार गिर गई। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी सरकार पर आकर बैठ गए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी सरकार पर आकर बैठ गए, क्लियर। तो यह है 44वां संविधान संशोधन, इतनी सारी बातें हैं। अगर 44वां क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, और हम पढ़ते हैं 52वां संविधान संशोधन, क्लियर। चलिए आइए बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन का, ध्यान से देखिएगा, टॉपिक क्या नाम है 52वां संविधान संशोधन, कौन सा? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। कब हुआ? 1985 में। इस समय सरकार थी राजीव गांधी की, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी की सरकार थी, 52वां संविधान संशोधन किसने कराया? राजीव गांधी ने, क्लियर। 52वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, यह है दल बदल कानून से, किससे है? दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है, कौन सा जी? 52वां संविधान संशोधन, क्लियर। इसी के तहत अनुसूची 10 जोड़ी गई, अनुसूची 10 जोड़ी गई, और इसी अनुसूची 10 में याद रखिएगा दल बदल कानून का वर्णन है, इसी अनुसूची 10 में दल बदल कानून का वर्णन है, दल बदल कानून का क्या है? वर्णन। आइए समझते हैं दल बदल कानून होता क्या है। देखिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, राजीव गांधी की सरकार थी इस समय, और याद रखिएगा दल बदल कानून से संबंधित है, दल बदल कानून को जोड़ा गया, यू कह सकते हैं दल बदल कानून को जोड़ा गया, अनुसूची 10 जोड़ी गई, और अनुसूची 10 दल बदल कानून से संबंधित है। देखिए दल बदल कानून क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आज के डेट में सबसे चर्चित, अगर पार्टी की मैं बात करूं तो सबसे चर्चित पार्टी आपकी बीजेपी है, बीजेपी से ऐसा उसका समय था कि किसी आम व्यक्ति को भी उठा दिया जाए तो चुनाव जीत सकता था, किसी आम व्यक्ति को उठा दिया जाए तो चुनाव जीत सकता था। तो अब कहने का मतलब क्या है, दल बदल का मतलब क्या है कि जिस पार्टी का चुनाव, सुनिएगा, जिस पार्टी का टैग चिन्ह या जिस पार्टी का चुनाव चिन्ह या जिस पार्टी का टैग लेकर हम चुनाव जीतते हैं, उस पार्टी के साथ 5 साल निर्वहन करना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा उस पार्टी को, 5 वर्ष के पहले हम नहीं छोड़ सकते हैं, 5 वर्ष के पहले हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने बीजेपी का कमल लेकर चुनाव जीत गया,
तो वह 5 वर्ष के पहले वह उस पार्टी को छोड़ नहीं सकता है। अगर 5 वर्ष के पहले उसको छोड़ते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा, और दल बदल कानून लागू हो जाएगा तो पहले तो सदस्यता रद्द की जाएगी, फिर सजा का प्रावधान है। फिर किसका प्रावधान है? सजा का प्रावधान है। दल बदल कानून का एक फैक्ट जरा ध्यान से सुनिएगा, यह जो कानून है या अनुसूची 10 में दल बदल कानून जो है केवल जीते हुए प्रत्याशियों के लिए है, केवल जीते प्रत्याशियों पर लागू होता है, केवल जीते प्रत्याशी पर लागू होता है, क्लियर। हारे प्रत्याशी पर नहीं, हारे प्रत्याशी पर यह लागू नहीं होता है, क्लियर ना। कहने का मतलब जो दल बदल कानून है केवल के केवल जीते प्रत्याशी पर लागू होता है। जिस पार्टी का हम चुनाव चिन्ह लेकर या जिस पार्टी का टैग लेकर हम चुनाव जीतते हैं उसके साथ 5 साल रहना पड़ेगा, 5 साल रहना पड़ेगा। 5 साल के अंदर हम अपना दल छोड़कर दूसरे के दल में जाएं, दल बदल करें, दल परिवर्तन करें तो हमारे खिलाफ एक ठोस कार्यवाही होगी, सदस्यता रद्द की जाएगी और ठोस कार्यवाही होगी। यही बताया गया है दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 राजीव गांधी द्वारा यह संविधान संशोधन करवाया गया, ठीक है। दल बदल कानून क्लियर, केवल जीते प्रत्याशी पर लागू होगा, मतलब जीता हुआ प्रत्याशी। जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी का टैग लेकर जीत गया तो उस पार्टी के साथ मुझे 5 साल रहना पड़ेगा, और हार गया मान लीजिए तो हम तुरंत चाहे तो पार्टी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब हार गए तो हमके कौन पूछ रहा है भैया, कौन पूछ रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो हारे प्रत्याशी पर लागू नहीं होता, जीते प्रत्याशी पर लागू होता है, याद रखिएगा। अगर दल बदल कानून लागू नहीं होता ना तो मोदी जी के आधे सांसद आधे विधायकों को खरीद लेते राहुल गांधी और मोदी जी से मुंह ताकते सबका, क्लियर। दल बदल कानून 5 साल के लिए लागू होता है, 5 साल के लिए केवल जीते प्रत्याशियों पर लागू होता है, केवल जीते प्रत्याशियों पर लागू होता है, क्लियर क्लियर, ठीक है। आगे लिखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 क्लियर, ध्यान से देख लीजिएगा, दिख रहा होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 ध्यान से समझिए क्या है यह 61वां संविधान संशोधन 1992 क्लियर है ना 92। आप देखिए राजीव गांधी ने कराया था दोस्त, इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में जाऊं तो आप समझेंगे कि राजीव गांधी का यह सोच था कि देखो इनका यह सोच था कि हमारी सरकार पूरे जीवन प्रयत्न चलेगी, जब तक हम रहेंगे जब तक देश रहेगा तब तक हमारी ही कांग्रेस पार्टी की सरकार चलेगी। तो इन्होंने एक दल बदल कानून करा दिया कि हमारे कांग्रेस पार्टी को कोई छोड़कर ना जा पाए, समझ रहे हैं। और आज के डेट में यही इनके लिए पहाड़ बना हुआ है, दल बदल कानून नहीं होता तो आधे से ऊपर विधायक और सांसद को राहुल गांधी खरीद लिए होते, मोदी जी यहाँ बैठ के देखते कि हमारे संसदवा जीता है हम और लेगा कौन दूसरा। यह दल बदल कानून है, जीता व्यक्ति 5 साल के पहले, 5 साल अगर जीता है जिस चुनाव चिन्ह के साथ जीता उस पार्टी के साथ 5 साल रहना पड़ेगा, हार गया तो जब मन करे तब बदल ले, कौन नहीं पूछने जा रहा है। यहाँ पर आइए 61वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। पहले तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, तो सर 1989 में, कब हुआ 1989 में, ध्यान से सुनिए 61वां संविधान संशोधन कब हुआ 1989 में 61वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया, ध्यान से देखिए। इसमें वोट डालने की उम्र, कई बार प्रश्न पूछा है, दो बातें हुई थी, पहले 1989 इसमें वोट डालने की जो उम्र है, वोट डालने की जो आयु है, उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, क्लियर ना। वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर कितनी गई 18 वर्ष। प्रश्न पूछे 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो वोटिंग से संबंधित है। इसमें वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये देखिए गड़बड़ काम हुआ यार, सला 18 साल का लवंडा, इतना छोटका लवंडा हीरो बनता है कि सला हमारे पास वोट है, प्रधानों को परेशान किया रहता है, समझ रहे हैं ना, फालतू काम है। 21 वर्ष से घटाकर कितनी गई 18 वर्ष की गई, कब 61वां संविधान संशोधन द्वारा। और दूसरा काम हुआ कि जो आप चुनाव आयोग जानते हैं, चुनाव आयोग के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था, चुनाव आयोग इसका वर्णन है अनुच्छेद 324 में, कहां है अनुच्छेद 324 में, याद रखिएगा इसका वर्णन कहां है अनुच्छेद 324 में, ध्यान से सुनिए। पहला काम क्या किया गया कि वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, और दूसरा काम किया गया जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 324 में जो चुनाव आयोग है अनुच्छेद 324 में, वह पहले एक सदस्य ही था,
केवल एक ही सदस्य उसमें होते थे, 21 सदस्य होते थे और वही मुख्य चुनाव आयुक्त कहलाते थे। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, आपको पता होगा ना ये सब बातें। चुनाव आयोग को एक सदस्यी से तीन सदस्यी बनाया गया, याद रखिएगा, चुनाव आयोग को एक सदस्यी से तीन सदस्यी बनाया गया किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव आयोग को एक सदस्यी से तीन सदस्यी बनाया गया। हमारे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है ना। चले आगे देखिए। चलिए उसी के आगे शुरू करते हैं। 61वां संविधान संशोधन तक आप लोगों ने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया, ठीक है। उसके आगे शुरू करते हैं, 61 के बाद सीधे 65वां संविधान संशोधन पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, इसके बाद एक वीडियो कंप्लीट सेक्शन ये हो जाएगा, उसके बाद एक वीडियो अपलोड कर देंगे, पूरा संविधान संशोधन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं 65वां संविधान संशोधन। ध्यान से देखिए, 65वां संविधान संशोधन कौन सा? 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में। एक बार जरा मैं देख लूँ क्या स्थिति है। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1990 में, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन यह हुआ था 2003 में। और उसके बाद एट लास्ट आता है 103वां संविधान संशोधन। एक ही साथ तीनों याद करेंगे, याद रखिएगा, एक ही साथ याद रखना है इसको, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। या 2017-18 में हुआ था, 2017-18 में हुआ था। तो जरा ध्यान से देखिए, 65वां संविधान संशोधन 1990, 89वां संविधान संशोधन 2003, 103वां संविधान संशोधन 2018। देखिए क्या है, समझिए। हमें तो 61 हमने पढ़ा चुनाव से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, ठीक है। 61, 62, 63 नहीं पढ़ना है, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 इस प्रकार से हमें पढ़ते हुए आना है। लेकिन 65 के बाद हम 89 ले रहे हैं और 89 के बाद सीधे 103 ले रहे हैं। सीधे क्या ले रहे हैं? 103। इस प्रकार से लेने का कारण क्या है कि यह जो चीज़ें हैं तीनों एक ही प्रकार से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिए क्या क्या है। देखिए, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ, इसमें बताया गया अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। किसके बारे में बताया गया? अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, याद रखिएगा। किसके बारे में? 80 अनुसूचित जाति आयोग के गठन के बारे में बताया गया, 80 आयोग के गठन के बारे में बताया गया। और नौकरियों में 80 के लिए आरक्षण की व्यवस्था बताई गई, 80 के लिए आरक्षण एवं विशेष प्रावधान बताया गया। क्लियर। यहाँ पर बात कर लेते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 में। इनमें एसटी के लिए, मतलब यहाँ पर देखिए 65 आपको दिख रहा है, देखिए 65, तो यहाँ पर आपको 5 दिखेगा, यानी कि एससी आयोग के बारे में बताया गया। एससी को बोलते हैं अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया। 89वां संविधान संशोधन की बात करते हैं जो 2003 में हुआ, इसमें एसटी अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया। ध्यान से देखिए, इसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में ध्यान से सुनिएगा। कौन सा है? 65 एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग 2003 में हुआ, अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया। इसके बाद आता है 103वां संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। ध्यान से देखिए, नाम है 103वां संविधान संशोधन। आगे 104, 105 भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन तीनों एक ही क्रम के हैं तो यहाँ पर हम लोग डील कर ले रहे हैं। देखिए, 103वां संविधान संशोधन में दो बातें मुख्य रूप से, यह ओबीसी आयोग से रिलेटेड है, ओबीसी आयोग का गठन से रिलेटेड है, ओबीसी आयोग के गठन से रिलेटेड है, और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए सरकारी नौकरी में 10% का आरक्षण देता है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सरकारी नौकरी में यानी कि सरकारी कामकाजों में 10% का क्या है? आरक्षण। यानी कि ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। तो एक ही साथ इसको याद रखिए,
बावनवां संविधान संशोधन SC, 89वां ST और 103वां OBC, 103वां OBC और साथ ही साथ EWS, साथ ही साथ क्या है EWS, साथ ही साथ क्या है EWS, तो जरा एक बार बोलिए 65वां SC, 89 ST और 103वां OBC आयोग के बारे में वर्णित है, आयोग के बारे में वर्णित है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो बोलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्लियर ना, चेक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट संशोधन की बात करते हैं, नेक्स्ट 69 और 70 एक ही साथ याद रखेंगे, 69वां संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन दोनों एक ही साथ याद रखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं 17वां संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन, दोनों एक ही साथ आप याद कर लीजिए, सबसे आसान है 69वां संविधान संशोधन और 17वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1990 में और 70 नंबर का संविधान संशोधन हुआ 1991 में, 1991 में। ये देखिए पार्ट वन है वीडियो का, इसके बाद पार्ट टू अपलोड होगा, पार्ट वन में ही लगभग चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट टू में थोड़ा बहुत बचेगा। देखिए 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और 17वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिए। राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर दो चीज़ होता है, राज्य स्तर पर देखिए एक चीज़ होता है जिसे बोलते हैं विधानमंडल, क्या बोलते हैं विधानमंडल, आपको पता होगा राज्य स्तर पर एक चीज होता है जिसे बोलते हैं विधानमंडल, और इस विधानमंडल के दो सेक्शन होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधानसभा, एक क्या होता है विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान परिषद, यह चीजें आपको पता होगी, ध्यान से देखिए। राज्य स्तर पर एक होता है विधानमंडल, राज्य स्तर पर जैसे पूरे देश के स्तर पर होता है संसद, उसी तरीके से राज्य के स्तर पर होता है विधानमंडल। इस विधानमंडल में दो चीजें होते हैं, पहला क्या है विधानसभा, दूसरा क्या है विधान परिषद। नंबर वन पर है विधानसभा, नंबर टू पर है विधान परिषद। अब आइए समझते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद क्यों रिलेटेड है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 69वां संविधान संशोधन और कौन सा पढ़ रहे हैं 17वां संविधान संशोधन, कौन सा 17वां, 1990 1991। डेट कोई मैटर नहीं करता, आप डेट याद हो 1990 ना याद हो कोई बात नहीं, ठीक है ना। आप सीधे याद रखिए 69वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा दिल्ली और पुदुचेरी, सुने होंगे दिल्ली और पुदुचेरी, या इसे बोलते हैं पांडेचेरी, क्या बोलते थे पांडेचेरी, में विधानसभा का गठन होता है। ध्यान से सुनिए 69वें संविधान संशोधन, मैं बोल देता हूँ सीधे सुनिए, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी, पुदुचेरी बोलते तो पांडेचेरी में विधानसभा का गठन किया जाता है। 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन किया जाता है, ध्यान से सुनिए, लिख देते हैं बढ़िया से। 69वें संविधान संशोधन द्वारा किसमें दिल्ली और किसमें पुदुचेरी में, पुदुचेरी जिसे बोलते हैं पांडेचेरी में विधानसभा का, विधानसभा का गठन, विधानसभा का गठन किसके द्वारा 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में, कब 1990 में, ध्यान से सुनिए, दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1990 में। 17वां संविधान संशोधन क्या है, देखिए 69वें में दिल्ली और पुदुचेरी में किसका गठन हो गया विधानसभा का, बताइए 69वें में दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा का गठन हो गया, तो 17वां जो संविधान संशोधन है, 70 नंबर का जो संविधान संशोधन है, यह क्या बताता है कि दिल्ली और पुदुचेरी के, ध्यान से सुनिए, दिल्ली व, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के, विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकेंगे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकेंगे, भाग ले सकेंगे मतलब वोटिंग कर सकेंगे, मतलब वोटिंग कर सकेंगे, मतलब क्या है जी, वोटिंग कर सकेंगे। पहले तो आप एक चीज़ समझिए, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को अनुमति मिली, 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी, ध्यान से देखिए 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी को विधानसभा की अनुमति मिली कि अपने यहाँ पर विधानसभा बना लीजिए, और जब विधानसभा बन गई 69वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 17वें संविधान संशोधन द्वारा बताया गया कि जो भी दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनकी, उन वह लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकेंगे, भाग ले सकेंगे, वह लोग राष्ट्रपति के चुनाव में क्या ले सकेंगे, भाग ले सकेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, हमने देखिए एक से
70 तक संविधान संशोधन क्लियर कर लिया, 1 से 70 तक संविधान संशोधन क्लियर कर लिया। बोलिए यहाँ के ना बहुत इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हम लोगों ने डील किया है, तो 1 से 70 तक तो संविधान संशोधन हमने क्लियर कर लिया। कल हम लोग 71 से आगे बढ़ जाएंगे, 71 से आगे बढ़ जाएंगे, 71 से कंप्लीट कर लेंगे 105 तक, 71 से कंप्लीट कर लेंगे 105 तक। तो उम्मीद करने के टोटल का टोटल क्लास समझ आया होगा। बहुत डेप्थ बताने का प्रयास किए हैं, ए टू जेड डेप्थ बताने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा, ठीक है। अगर अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं तो जोड़िए, क्योंकि बेहतर से बेहतर क्लास यहाँ पर डिलीवर होती है। देखें 71 तो हमने पढ़ लिया, 69-70 हमने पढ़ लिया, 71 से कल से शुरू करेंगे, 71 से 105 निपटा देंगे, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हैं पार्ट वन, क्या है पार्ट वन, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वह क्या हो जाएगा पार्ट सेकेंड, ठीक है। तो बढ़िया है, बाकी चीज़ें कल करते हैं। थैंक यू।